With U.S. troops now withdrawing, there's an important opportunity to reassess our shared interests and our shared priorities. They have the money and the wherewithal to cherry pick the best, and it is causing some real heartbreak. Western sources are basically investing a lot of money. क्यों भाई? क्या उनको कोई तरस है आपके ऊपर? क्या उनको अफ्रीका के या मिसाल के तो गरीब लोगों में भूखे मर रहे हैं लोग, उनके ऊपर वहाँ खाने को देने को कुछ नहीं है, वो आपके मुल्क में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपके साथ उनकी क्या इतनी नरमी है? जिना करना या मर्द की मर्द से मोहब्बत करना, ये कहाँ के राइट्स हैं? शादीशुदा मर्द, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये कहाँ की एम्पावरमेंट है? मतलब इस मूवी को रिलीज करने से क्या गरीबों का पेट भरेगा? इस मूवी को रिलीज करने से क्या जो क्या कहते हैं ज्यादतियाँ हो रही हैं खवातीन के साथ, क्या वो कम हो जाएंगी? क्या डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। आप बताएं वजी भाई, अपना मीडिया का करियर परसू नहीं किया आपने फैशन इंडस्ट्री में? तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है किसी दिन वजी भाई को कैमरा के सामने उनकी लाइफ स्टोरी पूरी खुलवा दूं, सबको बता दें, ताकि वजी भाई वाहिद स्पीकर हैं जिनकी स्टोरी किसी को नहीं पता ऑडियंस में। बात ये हो रही है कि चैनल चेंज करने की ज़रूरत है, ये टॉपिक चेंज कर दिया जाता है बार बार। बार ये कि अरे ओ सांबा, सुना है कोई जॉयलैंड मूवी आ रही है, रिलीज़ होने वाली है। कितने लोग रिलीज़ करने वाले हैं? कोई 2-4 लिबरल। इतने सारे मुसलमानों के होते हुए इतने सारे लोगों के ऊपर। बट द फैक्ट इज दिस न्यू मूवी इज़ बीइंग रिलीज्ड एंड जॉयलैंड, ठीक है, जॉयलैंड, एंड वी गोना टॉक अबाउट इट टुडे। हम असल में आज मैंने एक पोस्ट भी डाली, मेरी कल ट्विटर पे किसी से बात भी हो रही थी, बात क्या हो रही थी, बेचारे बहस करने की कोशिश कर रहे थे। एंड पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड एंड दे फ्रस्ट्रेटेड कि क्यों रोका जा रहा है आर्ट्स और क्रिएटिविटी को, हमें ऑस्कर मिल जाएगा, हमें ऑस्कर नहीं मिल सकता। यू नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट टू बी एबल टू एड इन टू इट कि बहुत ही एक आपके जो एक म्यूज़िशन है, बहुत अरसे बाद आज उन्होंने अपने आप को जो है अनाउंस कर दिया है, या कुछ पहले अनाउंस कर दिया था कि वो एक हेट्रोसेक्सुअल और सिसजेंडर कैटेगरी से अपने आप को आउट हैं, एंड वो वाहिद जो है इंडिविजुअल हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते करते हैं एक हेट्रोसेक्सुअल। तो आज उन्होंने बोला वर्ल्ड वाइड में रिकगनाइज़ किया जाता हूँ। तो बेसिक इशू यही होता है कि आप ऑनेस्टली देखिए कि वेस्ट या ऑस्कर्स या बड़े इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको अवार्ड्स दे रही हैं, उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन दे रही हैं। हमारे लोग बड़े खुश होते हैं ये देखकर कि देखिए उनको तो वॉल स्ट्रीट पर उनकी वीडियो आई है, उनकी वीडियो लगाई गई है, एंड दे थिंक दैट दिस इज़ बेसिकली एन अचीवमेंट, यू नो, अ वेरी गुड थिंग। बट इन द सेम सेंस कि वही इंडिविजुअल्स जो एकदम से रिकग्निशन ले लेते हैं और एकदम से उनको एक आदत है कि वो दे स्टार्ट मॉरल पुलिसिंग यू, और बात करते हैं नहीं जी देखिए मैं जो हूँ पहला LGBT का एडवोकेट हूँ या क्वेयर इंडिविजुअल हूँ और ये है वगैरह वगैरह। और अभी जो एक जो उनकी बड़ी पसोड़ी जो भी नाम है, अभी म्यूज़िक बड़ा वो है, उनके जो सिंगर है उन्होंने आके कह दिया कि मैं वाहिद जो है क्वेयर इंडिविजुअल हूँ जो पाकिस्तान का म्यूजिशियन है और रिकगनाइज पाकिस्तान के अंदर। एंड उनको बड़ा, अब यू नो आई डोंट नो हु ही इज़, एंड बट मुझे जब मैंने न्यूज़ एजेंसी जैसे ट्रिब्यून हो गया, डॉन हो गया, जब इनको देखा कि ये लोग अननेसेसरली फला एक्ट्रेस को ने मुंह तोड़ जवाब दिया, फला ये दिया वना वो दिया, यू नो दे जस्ट, होता कुछ नहीं, एक नीचे एक जूली एंड्रयू करके नाम पे कोई फेक अकाउंट होगा, उसने कोई काम बोल दिया कि उन्होंने बोला कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया, और ट्रिब्यून ने उसका एक पोस्ट बना के डाल दिया। यू नो दे मेकिंग अ नरेटिव आउट देयर, एंड दिस इज हाउ मीडिया वर्क्स। इसलिए हमें बात करने की ज़रूरत है कि यार हमारी जो यंगर जनरेशन, आज मेरी एक डिबेट हो रही थी अपनी क्लास, डिस्कशन हो रही थी अपनी एक ओ लेवल की स्टूडेंट से, तो पूरी क्लास में डिस्कस हुई। शी वॉज लाइक यू नो टॉकिंग अबाउट के मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 2 मर्द हजरात हैं, मुझे क्या वो करता है। तो आई हैड अ डिस्कशन विद हर, एंड इवेंचुअली ऑफ कोर्स शी वाज अ यंग गर्ल, तो उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो पेरेंट्स की तरफ से आ रही थी बड़ी अजीब थी। लेकिन बात ये थी कि बच्चे आर नॉट क्लियर अबाउट इट। लोग बोलते हैं यार हमारे पाकिस्तान में चीज़ों के बारे में बात करने की जरूरत है, बट यू डोंट रियलाइज़ कि आपके मुल्क में नॉर्मलाइज कराने की स्ट्रैटेजीज़ की जा रही हैं, जैसे दूसरे मुल्कों में की है, आपके मुल्क में ज़्यादा ज़ोर से किया जा रहा है, ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ को ग्राउंड डालने की ज़रूरत है, बिकॉज उनको एक रिटेलिएशन मिलती है, फ़ौरन रिटेलिएशन मिलती है। और जो जब नेक लोग बात करना छोड़ देते हैं तो बुराई को ग्राउंड मिल जाता है, ओपन ग्राउंड मिल जाता है। Absolutely. तो मीडिया भी फॉर द टाइम बीइंग कर क्या रहा है कि आपके सामने एक नेरेटिव बिल्ड कर रहा है। वो नेरेटिव क्या बिल्ड कर रहा है कि देखिए जो पॉपुलर लोग हैं ना, जो कामयाब लोग हैं, जो मशहूर लोग हैं, दे वेरी ओपन माइंडेड, और आपके जो ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो बेशक लोगों तक उनकी रसाई है और लोगों तक वो रीच करते हैं, उनको मलाइन करना, उनको बैकवर्ड दिखाना। एंड जब ये कॉन्सेप्ट एक ऐसे इंडिविजुअल तक पहुंचता है जिसका सोर्स नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या ऐसी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसकी सोच, उसकी जो मेंटालिटी है, उसकी थॉट प्रोसेस है, उसी की बेसिक कंक्लूजन पे आएगी, बिकॉज हर कोई तो क्रिटिकल एनालिसिस नहीं रखता ना हमारी कॉम में। तो अभी आपके पास ये हो रहा है कि एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग एजेंडा है, पीपल आर बीइंग, एंड ये कोई यहूदी साजिश वाली बात नहीं है, दिस इज़ अ फैक्चुअल थिंग। और ये स्टेटमेंट आई भी है न्यूज़पेपर में कि वेस्टर्न सोर्सेज आर बेसिकली इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। क्यों भाई, क्या उनको कोई तर्स है आपके ऊपर? क्या उनको अफ्रीका के, या मिसाल के तौर पे जो गरीब लोगों में भूखे मर रहे हैं लोग, उनके ऊपर कहाँ खाने को देने को कुछ नहीं है, वो आपके मुल्क में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपके साथ उनकी क्या इतनी नरमी है? तो वो रहे मीडिया, स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड एट दैट टॉलरेंस। और उसके नाम पर आपके पास ऐसे सेलिब्रिटीज़ को प्लेटफॉर्म्स दिया जा रहा है, उनको पूछा जा रहा है कि देखिए इन्फ्लुएंसर्स बात करें, मूवीज़ बनाएं, हम उसको रिकग्निशन देंगे, इंटरनेशनल रिकग्निशन देंगे, वो लोग बोलेंगे यार वाकई में यार, यू नो। एंड दिस इज़ अलाउिंग अ पीपल टू बी एबल टू बिकम अ लिटिल सॉफ्ट, बैक्स फुट पे आ जा रहे हैं यार। हाँ ठीक है यार, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर LGBT कम्यूनिटी को रिकगनाइज़ कर दिया जाए। सो यू नो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग से भी फीडबैक लूँगा कि रिसेंटली भी जो जॉयलैंड मूवी आ रही है, टेल पीपल अबाउट, बिकॉज हमें रिगार्डलेस, मेरी आज जो मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी, मैंने उसको बोला देखिए वी डोंट नीड टू हेट इट, यस वी नीड टू हेट इट, वी नीड टू हेट समथिंग विच अल्लाह सुब्हाना ताला हैज़ स्पोकन वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट। अल्लाह ताला ने जिसके ख़िलाफ़ बात की है, आपने क्यों नहीं उसकी बात की? क्योंकि जो अल्लाह सुब्हाना ताला जिस चीज़ से मोहब्बत करता है, अगर आपको चीज़ से मोहब्बत नहीं, और अल्लाह ताला को जो चीज़ नापसंद है अगर आपको नापसंद नहीं है, और अल्लाह सुब्हाना ताला जिस चीज़ से अपनी रहमत को जो है महरूम रखता है, तो आपको आपके दिल में अगर नहीं है तो देन यू नीड टू बी एबल टू सी कि हाउ सिंसियर यू आर विद अल्लाह सुब्हाना ताला। सो दिस एंटायर एजेंडा एंड व्हाट द मूवी इज़ अबाउट एंड व्हाई वी आर अपोजिंग इट। तो हैदर, आई विल स्टार्ट विद यू, ऐसे क्या मसला है भाई, मतलब क्यों व्हाई वी सो अगेंस्ट आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी? जी बिल्कुल, अगर हम समराइज़ करें, वैसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है, हम लोग भी कर चुके हैं, यूज़ क्लब भी कर चुके हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल में बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। मोटी मोटी बात यह कि नंबर 1 ये कि उसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, उसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स को प्रमोट किया जा रहा है, उसके अंदर गलीज़ लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसजेंडरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है कि अपने जेंडर को जो है ना वो तब्दील करके लड़का लड़की बन जाए, तो इन सारी चीज़ों को जो प्रमोट किया जा रहा है, आर्ट के नाम पे फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है, स्टेज डांसिंग वगैरह और इन सारे मामलों को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे मामलों जब आप कंबाइन करते हो तो ये हमारे माशरे का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर देते हैं, तो इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे और आखिरी दम तक करते रहेंगे। और ये इस्लाम का एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि लव एंड हेट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। तो जो भी चीज़ जिस तरह आपने कहा, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को बुरी लगती है तो वी विल हेट इट विद ऑल आवर हार्ट, और कोई चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला को अच्छी लगती है तो वी विल लव इट विद ऑल आवर हार्ट, चाहे हमें ज़ाती तौर पे जिस तरह मर्जी जो मर्जी फीलिंग्स हो हमारी उसके बारे में वी विल स्पीक अबाउट इट, और ये हमारे लिए ज़रूरी मैटर है। अगर ये आप लोगों के लिए ज़रूरी मैटर नहीं है, जो लोग हर वक्त बोलते रहते थे कि आप लोगों का दीन हमेशा यहीं इन चीज़ों में आके क्यों फंस जाता है, तो इन लोगों से मैं पूछता हूँ कि यार आप लोगों का जो आइडियोलॉजी है वो आके मूवीज़ पे क्यों फंस जाती है, और हर चीज़ जो वेस्ट डिक्टेट करता है कि आप उसी चीज़ के ऊपर कंसर्न बनाते हैं। ये प्रोग्रेस को कहाँ से, मुझे बताएं कि इस मूवी को रिलीज़ करने से क्या गरीबों का पेट भरेगा? इस मूवी को रिलीज़ करने से क्या जो क्या कहते हैं ज़्यादतियाँ हो रही हैं ख़वातीन के साथ, क्या वो कम हो जाएंगी? क्या डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट, कुछ भी नहीं है। ये एक पीस ऑफ आर्ट है बकौल आपके, हमारी नज़र में तो गंद है खाली, लेकिन एक पीस ऑफ आर्ट है, और आपको उसको रिलीज़ करने में, आप ना करने में इतनी तकलीफ हो रही है कि आप हमारे पीछे पड़ गए हैं कि क्यों इसके बारे में बात, आप क्यों कहते हैं कि इसको बैन किया जाए। हम तो इसको बैन करने की पूरी कोशिश करेंगे बिकॉज दिस इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पे जो कोई भी चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ होगी वी विल स्पीक अबाउट इट। एंड बड़ी छोटी, अगर आप बात की हमेशा बातों से निकालिए ना, तो जितनी भी ये एक्ट्रेसेस हैं, सानिया मिर्ज़ा हो गए टीवी पे आके कह रहे हैं, या जो प्रोड्यूसर्स हो गए, इनकी सारों की बात क्या है। देखिए, अगर पाकिस्तान में ये मूवी नहीं चलेगी तो हम ऑस्कर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन दी गई है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने करीम कहा दैट द ज्यूज एंड द क्रिश्चियंस विल नेवर यू नो एक्सेप्ट यू अनलेस यू लीव योर दीन। तुम अपने दीन से दूरी हो जाएगी, तुम्हें तब तक ये कबूल नहीं करेंगे। दे वांट यू टू डू दैट। मतलब आपके लिए अपने कल्चरल वैल्यूज़, अपने इस्लामिक वैल्यूज़, अपनी नेशन की मेजॉरिटी, अपनी मेजॉरिटी टू एक्सट्रीम लेवल मेजॉरिटी कि आपको डिस्टेस्टफुलनेस, उनकी पसंदगी और नापसंदगी, उनकी ऑफेंड होने की परवाह नहीं है। आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए। जो कल मेरे से एक फिल्म्स वाले प्रोड्यूसर जो थे, वो मुझसे ट्विटर पे बहस कर रहे थे, वो बात ही बोल रहे थे कि जो ना कि आप लोग जो है वो वही जो रिवर्स साइकोलॉजी वाला होता है ना, इमोशनल आर्ग्यूमेंट यूज़ करना कि आप लोग जो है एक कम्यूनिटी को मार्जिनलाइज करते हैं, फना ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, इसके ऊपर जो हकीकत है उसको दिखाई जा रही है। मैंने बोला आउट ऑफ ऑल द इशूज़ इन द सोसाइटी, हम ये बोलते हैं ना कि आपके पास सारे मसलों के बाद आपको ये मसला रह गया। आउट ऑफ ऑल द इश्यूज इन द सोसाइटी आपको वो इशू मिला जो आपको ऑस्कर्स और आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन देने के लिए, बिकॉज आपके मास्टर्स ने बोला कि हमें ये चीज़ के ऊपर आपको फंड करने के लिए तैयार है। व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल डिजेनरेशन, अबाउट डिक्लाइन, अबाउट इकोनॉमी क्राइसिस, व्हाट अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स, इसके ऊपर नहीं मिला। बट बिकॉज देखिए ये जो ना ये बड़ा कैश करने के लिए और जो वेस्टर्न मीडिया को खुश करने के लिए और फंड्स को जनरेट करने के लिए, जनरेट करके उसको जस्टिफाई करने के लिए ये चीज़ें बड़ी आसान है। हालांकि वजी भाई बड़ी कौन बात है, ये बार बार आर्ग्यूमेंट हमारे ऊपर लेके आते हैं कि आप एक मार्जिनलाइज सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये पहली बात तो ये कि इसको हम बहुत मरतबा ब्रेक डाउन कर चुके हैं कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल इंटरसेक्स पीपल, जो खंसा मुश्किल जिन लोगों का एक्चुअल प्रॉब्लम है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, जो कोई माजूरी है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, वी सपोर्ट देम, लेकिन उनकी भी बेहयाई को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनके साथ हम खैरखाई वाला मामला रखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के बारे में, जो अपने जेंडर को तब्दील करते हैं, हमें उनसे प्रॉब्लम है। यू कॉल अस ट्रांसफोबिक फॉर इट, कोई मसले की बात नहीं, आप बोलो, लेकिन ये जो बात करते हैं ना कि आप लोग इस सोसाइटी को मार्जिनलाइज कर रहे हो, मैं इसके बारे में भी कहूँगा कि ये भी इतना फेलिशियस आर्ग्यूमेंट है कि हम जो मुसलमान हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है भी तो उसको हम किसी तरीके से या मर्दों के अंदर या औरतों के अंदर उनको एडजस्ट कर लें, जो 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 तरीका है, जो एक्चुअल तरीका है, दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर कोई माजूरी है भी, कोई अप एंड डाउन है भी, कोई हार्मोनल इशू है भी, कोई जेनिटल्स का इशू भी है, तो जिस तरफ उसकी ज़्यादा लीनिंग है, उसके ऊपर लंबी डिस्कशन है एक फिकी, लेकिन जिस तरफ ज़्यादा लीनिंग है उसको उस तरफ ऐड कर दो, क्यों, ताकि वो माशरे में स्टैंड आउट ना करें। यानी हम उनको माशरे के अंदर फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर द वन जो कि एक्चुअली उनको अलग से खड़ा करके और उनको हाईलाइट करना चाहता है ताकि उनको जो है ना टारगेट किया जाए। आप लोग एक्चुअल में वो लोग हो जो कि चाहते हो कि ये लोग टारगेट हों और ये तमाशा बने और ये जो है ना वो जीनत बने आपके ड्राइंग रूम डिस्कशंस की और हर जगह पे ये डिस्कशंस की। एंड दे हैव नो कंसर्न रिगार्डिंग देयर राइट्स। आपने देखा भी, हमने लास्ट टाइम अपने शो में ये बात भी की हुई है कि हकूक वहीं रह जाते हैं, बट आपको एक कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर चैरिटी के लिए गरीब को देने के लिए गए, सब कुछ दे दिया, तस्वीर तस्वीर खिंचवानी और वहाँ से फिर गायब हो गया, और वो जो लोग हैं वहीं पे मॉर्गन फ्रीमैन ने कहा था एक दफ़ा, उन्होंने कहा था कि ये ब्लैक हिस्ट्री मंथ के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था ये पता नहीं उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट बात याद नहीं है, मॉर्गन फ्रीमैन ने कहा था कि अगर आप इस मसले का, जो रेसिज्म वाला मसला है, यू वॉन्ट टू एंड इट, स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, कि आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग वाइट हिस्ट्री मंथ, वाई आर यू सेलिब्रेटिंग ब्लैक हिस्ट्री मंथ। नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि वो मार्जिनलाइज नहीं होता, आप इसको आज तक मार्जिनलाइज बना रहे हो इस तरीके की बातें करके। तो यू आर द वन जो बार बार इन टॉपिक्स को उठा के और बार बार मेन स्ट्रीम पे लेके आ गए, आप लोग मार्जिनलाइज करवा रहे हो, लोगों को ज़्यादा हेट का शिकार बना रहे हो। आपको पता है पाकिस्तान जितने भी ऑस्कर्स जीता है वो सिर्फ इस कैटेगरी में जीता है। शर्मीन उबैद की दोनों डॉक्यूमेंट्रीज जो ऑस्कर जीती हैं, देवर अबाउट ट्रांसजेंडर, और एक थी जो खातून के ऊपर थी कि उसके घर वाले उस पर जुल्म करते हैं। हालांकि अगर आप देखें वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बात है जिस तरह से उसको क्राफ्ट किया गया, उस स्टोरी को जिस तरह से दिखाया गया। सेकेंडली, अगर आप ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर बात कर रहे हो, पहले तो ये इंटरसेक्स की बहस हम छोड़ देते हैं, फिल्म बनाई है ताकि उनको उनके राइट्स दिलाए जा सकें। जिना करना या मर्द से मोहब्बत करना, ये कहाँ के राइट्स हैं? शादीशुदा मर्द, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये कहाँ की एम्पावरमेंट है? मतलब अपनी ऑडियंस को हम बताते चलें कि एक जगह पे, एंड आप ये बोलते हो कि जो ना कि एक शादीशुदा मर्द अगर किसी दूसरी औरत से प्यार करे तो आप इन चीज़ों को क्यों बता रहे, चाहे वो इस्लामी तरीके से निकाह भी करने लगेगा। यहाँ पर आप एक चीज़ को एक इमोशनल टच दे के एक सिंपथी क्रिएट करना चाह रहे हो कि एक मर्द दूसरे मर्द से जो जिसके फीचर्स में एक डिफॉर्मिटी है और ट्रांसजेंडर है, आप उसके साथ मोहब्बत करें, ऑलरेडी उसकी बीवी बच्चे हैं। What kind of a, you know, ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। And how is it empowering वजी भाई, मुझे वाकई में नहीं समझ आती। कहाँ पे राइट्स की बात हुई? मतलब पूरी राइट्स की बात कर रहे हो, आपने दिखाया वही स्टेज डांसर है कि वो अगर मोहब्बत करती है तो वो एम्पावर्ड है। आप मतलब कुछ और दिखा देते हैं, फहाशी, आप उसको कॉर्पोरेट जॉब करते हुए दिखा देते हैं, आप उसको दिखा देते हैं आप एक्चुअल प्रॉब्लम दिखाना होता। आप ऐसे कैरेक्टर को क्राफ्ट करते कि एक बंदा उठ के आता है स्लम से या इस कम्युनिटी से उठ के आता है, वो बनता है, उसकी स्टोरी आप दिखा सकते थे। ये बस वो नहीं है, डिकॉय यूज किया हुआ है उन्होंने कि एम्पावरमेंट, ये सिर्फ आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है। ये जिस तरह से क्राफ्ट किया है, जिस तरह से वो जो एक झूठी चीज का सहारा लेके दूसरी चीज जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं ना कि हम ट्रांसजेंडर, कहाँ पे राइट्स की बात है। अच्छा, ये हमेशा ये बात करते हैं कि आपकी सोसाइटी की अक्कासी है, सोसाइटी की अक्कासी है, मतलब आपको सोसाइटी के अंदर वही इशूज़ मिलते हैं जिससे आपके जो मास्टर्स हैं वो आपको पैट ऑन द बैक दें, बिकॉज आपको एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी से कंसर्न नहीं है, आपको एक क्विक स्टेयरवे टू सक्सेस चाहिए इस फील्ड के अंदर, टू बी ऑनेस्ट। और ये आप इस टॉपिक बात करते हैं, और सिंपथी दे विल ऑलवेज यूज द सिंपथी कार्ड। अभी आ रहा है, रिसेंटली मैंने आज पोस्ट देखा कि सो एंड सो एक्ट्रेस ने बोला कि किसी ने मुझे बोला कि तुम्हें कैंसर हुआ है और तुम्हें कैंसर मार देगा क्योंकि तुम जो है जॉयलैंड को सपोर्ट करती है, एंड दे आर यूजिंग दैट सिंपथी कार्ड। सिंपथी कार्ड मूवी में भी यूज करते हैं कि ओ क्या कह के जो जिसने आई थिंक ट्रांसजेंडर का रोल किया है, मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया इस मूवी को देखने के बाद। Now the point is आपकी सोसाइटी में, अच्छा कॉमन आर्ग्यू, आपके मदरसों में ये नहीं पाया जाता, फलाना नहीं जाता, मैंने बोला आपने कौन सा सर्वे किया है। यस, हम बोलेंगे यूनिवर्सिटीज में पाया जाता है, वी नॉट डिनाइंग के इश्यूज हैं, बट ये कि बुराई है जगह पे और चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी कौन सी जस्टिफिकेशन है कि किसी ने बोला कि किसी ने ट्वीट किया कि जो ना कि मेजोरिटी पाकिस्तान में होमोसेक्सुअल्स हैं, क्लोजेट होमोसेक्सुअल्स हैं। मैंने बोला कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस बेस्ड ऑन रिसर्च? मतलब just because your girl left you, Rashid, and you know you're coming up with a fake name and you're saying Pakistanis are homosexuals, और फिर भी इनकी आबादी बढ़ रही है और रिप्लेसमेंट रेशोज जो है वो बाहर के ममालिक में पूरी नहीं हो रही, वेस्ट में पूरी नहीं हो रही, वहाँ पे पता नहीं शायद होमोसेक्सुअलिटी। मेरे आज स्टूडेंट ने बोला कि इट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट सर। फैक्चुअल स्टेटमेंट क्या है कि सबसे ज़्यादा जो गे हैं ना वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मैंने इफ़ दैट इज़ द केस तो मतलब अब्बा भी गे हैं क्या, भाई भी गे हैं क्या, चचा भी गे हैं क्या, मतलब यहाँ पे क्लास में कितने हैं, अपने घर से शुरू कर, मतलब आप मतलब व्हाट काइंड ऑफ ईजी स्टेटमेंट टू थ्रो कि आप ये बात, बिकॉज ये देखिए दिस इज हाउ दे प्लेइंग विद द माइंड। सिंपैथी करेंगे बिकॉज आपके सामने अगर देखिए एक फिरौन है, फिरौन की एग्जांपल देखिए, फिरौन भी अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट राइट पे समझता था कि कुरान में उसकी स्टेटमेंट देखिए कि उसने सिंपैथी यूज़ की। क्या सिंपैथी यूज़ की? कि उसने ये बात को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि मूसा अलैहिस्सलाम इज़ दी ऑप्रेसर। उसने बोला स्टेटमेंट यूज़ की कि ये तुमसे तुम्हारी सल्तनत को छीनना चाहता है, ये तुमसे तुम्हारे हक़ को लेना चाहता है, और ये चीज़ अपने आवाम को यूज़ की उस प्रोपेगेंडा के अंदर कि जना कि यार दिस हाउ इज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या इस है कि ये लोग तुम्हारे दीन को का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे वैल्यूज़ का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे फितना डाल रहे हैं चीज़ों से, फैमिली के अंदर यू गिव देम टाइटल्स, यू गिव देम नेम्स। एंड ये मेहरब ने यही कर रहा है कि देखो ये जो है ना उनके राइट्स को मार्जिनलाइज कर, मतलब आप जो है चर्च पिए, आप क्या कहते हैं गालियाँ दें, आप जो है गंदी बातें करें, आप ओपनली डिक्लेयर करें कि आपके कितने नाजायज़ ब्लास्फेमी कमिट करें और फिर आप बोलेंगे राइट के ओपनली। उसके अलावा वजी भाई एक और इनका ये जो डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना कि नहीं आप एक्सेप्ट करें, चलें आप नहीं इस चीज़ से एग्री करते हैं, आप एटलीस्ट एक्सेप्ट देम फॉर हु दे आर, या उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें। इस्लाम ने हमें रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया गलत ओपिनियन को। सिंपैथी किसी चीज़ के लिए रखना इज़ दी फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्नॉलेजिंग एंड इंडोर्सिंग द आइडिया, द कॉन्सेप्ट। अगर आप एक गे कपल है, आप देखते हो, आप बोलते हो नहीं यार आप कुछ ना करो, आप बस सिंपैथी रखो, बेचारे दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, वो उनकी मतलब दे कैंट हेल्प इट, मैं सिंपैथी नहीं रखूंगा उनके लिए। अगर वो स्टबर्न है और वो इस चीज़ को करते हैं और वो ओपनली ऐलान करके करते हैं, मेरे दिल में उनके लिए सिंपैथी नहीं होगी, ऐसी है। और मैं उनकी बुराई है, देखिए अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है किसी डिज़ायर के साथ एंड द पर्सन ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल इशू और चैलेंजेस, हो सकता है कि वो इस डिज़ायर के साथ चैलेंज कर रहा होगा, But to convert that desire into an action by justifying it, आप उसको कभी भी फिर तो सब जस्टिफाइड है, रेपिस्ट भी जस्टिफाइड है। बात बोलूंगा, वेस्टर्न टेक्सास जैसे मुल्क के अंदर, कंजर्वेटिव मुल्क के अंदर इन्होंने लीगलाइज कराया, नॉर्मलाइज कराया होमोसेक्सुअलिटी को और सेम जेंडर मैरिजेस को थ्रू सिंपथी कि देखिए आप चले आप नहीं रिकग्नाइज, और अभी पाकिस्तान आप कहेंगे आपके जानते हैं ना, इनके साथ नाइंसाफियाँ होती हैं। मैंने बोला नाइंसाफियाँ तो बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, बट ये कि उस बुराई को जस्टिफाई करना, आप कैसे उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। कल को अगर आप बोलेंगे कि जो पेडोफाइल्स हैं, मैंने अपने स्टूडेंट से आज ही बोला कि अगर आप बोलते हैं कि उसने बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉट एवर पीपल डू, यू नो इट, आई डोंट केयर कि कौन सी बुराई है कौन सी नहीं है। मैंने बोला डू यू केयर अगर कोई 40 साल का या 50 साल का आदमी जो है वो छोटी उम्र की लड़की से प्यार करने लगे, तो बोलती नहीं आई एम नॉट ओके विद इट। मैंने व्हाई यू नॉट ओके विद, बिकॉज यू डोंट, वेयर डिड यू डिफाइन द लाइन, आपने कहाँ पे डिफाइन किया कि अगर इस तरह से आपको, क्योंकि आप खुद बोलते हो ना कि हमारी नजर में एक पेडोफीलिया क्या है, हमारी नजर में यू है नेक्रोफीलिया भी, फिर इस तरह आप सिंपथाइज करो, बेचारा आप बोल रहे इसको नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। मैंने मुझे एक बात बताइए कि एक के जो भाई बहन है और वो किसी आइलैंड में फंस जाते हैं और वो सेक्सुअल रिलेशन रख देते हैं और उनको यू नो बच्चा हो जाता है, तो आर यू गोइंग टू बी ओके विद इट? नो सर, यू नो डिस्कस। मैंने दे नॉट हार्मिंग एनी वन। तो ये हार्म प्रिंसिपल जो है ना, देखिए हार्म स्पिरिचुअल नुकसान भी, आखिरत का नुकसान भी है। यू इफ़ यू डोंट बिलीव इन द हेयर आफ्टर, इफ़ यू डोंट वैल्यू योर मॉरल्स एंड बैलेंस योर मॉरल्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर आपके लिए तो फिर दुनिया का ही असर और नुकसान जो है फ़ायदा देगा, ये मतलब प्रायोरिटी देगा। तो मीडिया करना ही चाहता ना, मीडिया तो देखें, जो हम मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, मीडिया की थ्रू आउट हिस्ट्री मीडिया मैनिपुलेशन जो है ना, वो इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड कि हाउ इट वर्क्स, और ये बहुत सारी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जब ये हमेशा से यूज़ करते हैं। एक जो वजीब आपने शुरू में बात की कि ये करते हैं प्रोपेगेंडा लॉन्ड्रिंग, यानी इससे मुराद ये कि किसी लेस ऑथेंटिक सोर्स के अंदर कोई ओपिनियन डाल दिया, ठीक है, उसके बाद उस ओपिनियन को जो है ना वो मेन स्ट्रीम के ऊपर पुश करना शुरू कर दिया कि देखो वहाँ पे फलाने ने ये बात की थी, वो बात कहाँ से आई है, उसकी बेसिस क्या है, वो नहीं बात होगी, नहीं पब्लिक ने ये बात की है, चलो जी उसकी सपोर्ट में बात करेंगे, वो उसकी सोर्स क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उस क्लेम की, उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रही, लेकिन लोगों ने बात करनी शुरू कर दी, ये खबरें चलना शुरू हो गई। फिर आती है एस्ट्रोटर्फिंग, वो ये होता है एस्ट्रोटर्फिंग बेसिकली कि बंदा जो है ना वो ये बोलना शुरू कर दे कि ये किसी एक ओपिनियन के बारे में या किसी एक आइडियोलॉजी के बारे में शो करा दें कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, इस कॉज को बहुत सपोर्ट हासिल है। उसकी प्राइम एग्जांपल है LGBTQ इश्यूज। बहुत थोड़े से लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, अगर परसेंटेज में शायद गिने, आई डोंट हैव नंबर्स फॉर इट, लेकिन अगर परसेंटेज में गिने शायद 1% भी नहीं होगा, मैक्स 3%, अगर आप पूरी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिवली भी अगर आप बोलें 3% अगेंस्ट 97% ऑफ द पीपल, उनमें से मेरा ख्याल से कोई 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो कि अपोज करते हैं और एक्सट्रीमली अपोज करते हैं, क्योंकि नहीं होनी चाहिए बात। लेकिन अगर आप मीडिया को देखेंगे, आप कॉर्पोरेट्स को देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि ऐसी एस्ट्रोटर्फिंग की कैंसिल कर देंगे, एंड्रू टेट को कैंसिल किया इस तरह की बातें करने पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाती है। फ्रीडम ऑफ, देखिए वही ना, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस आपकी तब तक है जब तक आप हमारे आप अग्री करते हो। जैसे ही आप डिसएग्री करोगे, यूट्यूब जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने आपको बैन कर दिया ओपनली। यार आप मतलब देखें ट्विटर, अभी तो ट्विटर चेंज हो गया, आगे पीछे हो गया, ट्विटर के अंदर आप देखें, ट्विटर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर बंदा हर किस्म की बात करता है, और ये उसकी खासियत थी। यहाँ तक कि ट्विटर के ऊपर जो है ना वो पोर्नोग्राफिक कॉन्टेंट भी डाल देते हैं, वो उसको हटाते नहीं, सब कुछ डाला होता है ट्विटर के ऊपर। लेकिन ट्विटर के ऊपर जब आपकी बात करोगे ट्रांसफोबिक, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आप अगर बात करोगे रिलीजन की, बात करोगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की प्रोफाइल उड़ा दी जाती है, डोनाल्ड ट्रम्प की प्रोफाइल उड़ा दी गई, क्योंकि यू आर स्प्यूइंग हेट। यार मेरा अपना फेसबुक पेज शैडो बैंड है, इसकी वजह से मैं अपना जो पॉडकास्ट है मैं अपने यूट्यूब की तरफ शिफ्ट किया है, फॉर द रीज़न कि उन्होंने शैडो बैन किया हुआ है। जो स्ट्रैटेजी एक और यूज़ करते हैं, एक तो ये सिंपैथी यूज़ करते हैं, दूसरा ये करते हैं कि कभी भी जिस एजेंडा को हमने आगे लेकर आना है, नॉर्मलाइज करना है, इसकी बैड साइड नहीं दिखाना। बोलेंगे जना कि बैड साइड दिखाएंगे तो लोग, बिकॉज एक फितरतन, चाहे वो धारी होगा, चाहे वो एथियस्ट होगा, वो बोलेगा नहीं यार आई डोंट, दे विल नेवर टेल यू के सबसे ज़्यादा, क्योंकि दे टॉक अबाउट लव, कि देखिए मोहब्बत है ना, दो मर्द आपस में मोहब्बत कर रहे हैं। मुझे बात है कि मोहब्बत और लस्ट में फ़र्क है। देखिए मोहब्बत की डेफिनेशन आप समझना बहुत ज़रूरी है, एंड वी नॉट गोइंग टू गेट इनटू द, हमारे उसके लिए मोहब्बत के बहुत सारे पॉडकास्ट और वीडियोज़ हैं, कि जो प्रोमिस्कस रिलेशनशिप, चीटिंग, इनमें सबसे ज़्यादा जो एक दूसरे के पार्टनर्स की चीटिंग है, इनके जो एक्चुअल मैरिड और लिव इन कपल्स जो मर्द और औरत से कहीं ज़्यादा है. इनमें ज़्यादातर लोगों में बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज व्हेन यू आर ओनली कनेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ लस्ट, यू नो व्हाट यू कॉल लव, इट एक्चुअली चेंजेस. एंड उनमें जो है वो दूसरे पार्टनर्स के साथ एक दूसरे की जो है चीटिंग चलती है. इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल है, आई थिंक इट्स इवन मोर देन 60 to 70%. एब्सोल्युटली. तो क्योंकि एक साथ रहते नहीं है, बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट लव. बीमारियां वजी भाई, बीमारियां जो मंकी पॉक्स है कहाँ से आए, द गे जीन कहाँ से आए? आप बोलो कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, कैसे नहीं नुकसान पहुँचा रहे यार, कैसे नहीं हो रहा? आप जो है पूरी जनरेशन ख़त्म हो रही हैं. वाई डिड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं एक ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम लूत को सिर्फ तबाह नहीं किया, उनकी जेनेटिक जो कोड था उसको भी मिटा दिया ताकि वहां से कोई बीमारी आगे बढ़ सकती थी. एक्सट्रीम हीट पे उनके ऊपर आग भेजी ताकि उनकी कोई भी रिमेन्स ना रहे, ताकि उस उनको एक डिजायर या उसमें जो उनका फितरती जो बदल गया था वो तक आगे न, पूरी कौम को हटा दिया. कि मतलब दिस इज सो सच अ डिस्टेस्टफुल थिंग इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पूरी कौम को वाइप. हाउ कैन इट बी कि दो लोग, दो मर्द आपस में मोहब्बत में फिजिकल रिलेशन लेते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी कौम को तबाह कर दिया. अंबिया को मारा गया, रसूलों को पत्थर मारे गए. क्या ये उस गुनाह से कम लगता है आपको? लेकिन ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कौम तबाह कर दी. और यहाँ तक बोला कि नबियों को भी बोला, लूत अलैहिस्सलाम बोला कि पीछे पलट के नहीं देखेगा, कहीं ऐसा ना हो कि नबी के दिल में नरमी आ जाए, बोला या अल्लाह ऐसे नहीं वो करें, पर वाइप ऑफ कर. और इसमें एक पॉइंट फॉर दोज जो कहते हैं कि सिंपैथी रखें, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी, शी वाज़न्ट इन्वॉल्व्ड इन द एक्ट, वो सिर्फ सिंपैथी रखती थी, उन्होंने सिर्फ मुड़ के देखा और अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको भी उस अज़ाब सिंपैथी के साथ. कुछ रिवायत में आता है कि जब लूत अलैहिस्सलाम लोगों को बताते थे ना कि ये काम गलत है, तो वो बाहर उनको जाके बोलती थी कि जना कि यार इनकी बात नहीं सुनो, ये जना वो नहीं करता. मतलब शी वाज मेकिंग हिम प्रोपागेंडा. और जो मीडिया करता है ना, यार इनकी बात को सुनने की जरूरत नहीं, उनको मॉक करवाती. तो पीपल वुड नॉट टेक व्हाट ही वाज सेइंग. और उनका क्लेम क्या था, आज हमें बात ये बोली जाती है ना कि यार आप लोग जो है ना गंदे हो, आप लोग जो है ना बहुत ये काम करते हो. बिकॉज उनका क्लेम क्या था लूत अलैहिस्सलाम की कौम का भी, कि वो ये बोलते थे कि यार ये जो है ना बहुत पाक बनने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही जो है ना पायस बनने की कोशिश करते हैं, बहुत प्योर बनने की कोशिश करते हैं, इनको बाहर निकाल दो अगर ये वो करते हैं. अल्लाह ताला ने ऐसा प्योरीफाई किया कि मोमिनीन को निकाला और इनको मतलब वो अग्री करते हैं इस बात से कि हम मतलब हम गंदगी के अंदर इन्वॉल्व हैं. आज के दौर के अंदर भी अभी भी ये जो आपने वजह बोली ना, शुगर कोटिंग कर रही है, सारे मामले को शुगर कोटिंग कर रहे हैं. आपको अगर बकौल आपके या आपके माशरे के इशूज़ हैं, कोट एंड कोट, अगर ये हमारे माशरे के इशूज़ हैं और इनको दिखाना ज़रूरी है, कोट एंड कोट अगेन आपकी, तो वाई नॉट मेक फिल्म्स ऑन ट्रांस रिग्रेट. बनाओ ना आप फिल्में, जिन जिन लोगों के आपने ऑपरेशंस कराए हैं, बॉटम ऑपरेशंस करवाए हैं आपने, और उसके बाद उन लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर पूरे पूरे फॉरम्स मौजूद हैं, इसके ऊपर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्रीज तो मौजूद नहीं. क्योंकि अगेन मीडिया transregret.com एक वेबसाइट है जिसमें जो लोग करवा चुके हैं इस प्रोसीजर के थ्रू गुजर चुके हैं, दे आर ऑन एस्ट्रोजन, उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है कि दे रिग्रेट इट. कितने बड़े बड़े इशूज़ हैं, मतलब यूरिनेटिंग के अंदर इशूज़ हैं उनके अंदर, उनके सेक्सुअल रिलेशंस का नाम है, उनकी बॉडी, लोअर बॉडी उनकी पूरी नाम है, दे डोंट फील, इफ इवन इफ दे समबडी स्टैब्स देम ना दे वोंट फील. लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट द इशू, उन लोगों को कैसे लेके आना इस तरफ. इस पे किताब भी है वजी भाई, ये दो गे पार्टनर्स थे, ओवरहॉलिंग स्ट्रेट अमेरिका, उसमें वो जो आप बता रहे थे ना कि टेक्सास जैसी कंजर्वेटिव क्रिश्चियन रिलीजियस सोसाइटी को इन्होंने किस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बता के कि किस तरह से करना है. और अगर आप देखें, नॉट ओनली दैट, मीडिया के थ्रू जिस तरह से देखें मीडिया, ये बात तो अगर कोई कहता है कि नहीं मीडिया सिर्फ एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, बेवकूफ़ बनता है. बड़े बड़े एक्टर्स बॉलीवुड के कहते हैं हम नेगेटिव रोल इसलिए नहीं करते क्योंकि सिनेमा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे माशरे में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया और पूरी दुनिया में, इस तरह की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. वो नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं प्ले करते हैं कि ये ना हो कि उनकी इमेज के साथ वो नेगेटिविटी जुड़ जाए. एब्सोल्युटली. हम कैरेक्टर्स, हम वोल्डेमॉर्ट अगर एक कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है, किताबों में मैंने पढ़ा है, मैं कभी भी उसको जो है जो उसका एक्टर, उसका नाम मुझे नहीं पता, मैं उसके एक्टर को भी देखूंगा मैं बोलूँगा ये वोल्डेमॉर्ट है। उसके लिए मेरे दिल में, मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, आज तक मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। ब्रो कॉमन सेंस की बात है, इतनी कॉमन। आप ये देखें जी भाई, आप लोग ये देखें, एक बड़ा मशहूर टीवी सीरियल था, नाम ले लें मेरे से, एक बड़ा नहीं यहाँ पे जो टर्किश ड्रामा बहुत मशहूर हो गए थे, उनके जो एक्टर्स थे जिसके अंदर दिखाया उनको इस्लामिक हीरोज़ के तौर पे दिखाया उनको, ठीक है समझ आती है बात, अंडरस्टैंडेबल, वो इस्लामिक हीरोज़ के तौर पे दिखाया, वो उनकी प्राइवेट लाइफ पे उनकी इंस्टा के ऊपर जाके वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं लोग कि ये बात आपको सूट नहीं करती है। हाँ, सुभान अल्लाह, कि वो एक्टर्स को, वो एक्टर्स हैं, दे वर जस्ट प्लेइंग अ रोल, लेकिन लोगों के माइंड के अंदर उनकी इमेज ऐसी बनी हुई, आप अगर उसका रोल प्ले कर रहे हो तो अब आपको ये बात सूट नहीं करती कि आप गैर इस्लामी। अच्छा, अब जो पॉइंट मैं आई वांटेड टू मेक वाज कि अगर आप देखें जो प्लेटफॉर्म्स हैं, HBO मैक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया, Netflix हो गया, ये किस तरह से जेंडर रोल्स को डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से एक मर्द की जो इमेज थी, जो एक मैस्कुलिन माचो होती थी, उसको किस तरह से इन्होंने रीडिफाइन किया कि अब BTS जो है ना, अगर आप BTS की, आप एक खातून है, आप एक टीनेजर है और आप BTS की फ़ैन नहीं है तो आप कूल नहीं है। प्रिसाइसली, लड़के जो हैं वो क्या होते हैं, नाजुक होते हैं, नरम मिजाज होते हैं, बड़े प्यारे से होते हैं, प्रिटी से होते हैं बॉयज़। और औरतों को आप देखें, इनकी जितनी भी रीसेंट प्रोडक्शंस हैं, औरतों को एक बड़ा रिजिड सा, एक बड़ा स्टॉर्म बॉय, स्ट्रॉन्ग सा कैरेक्टर, और वो उस लड़के को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक रिसर्च तो नहीं, एक इंसिडेंट हुआ वेयर एक, देखिए मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊँ, ये बात लोगों को हज़म नहीं होगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मर्द और औरत की एक ख़ास खसूसियत रखी है। मर्द को अपने आप को बर्दाश्त करना, अपने आप को प्रोटेक्टर, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जो प्रोटेक्टिवनेस है ना, और जो एक खैरा है, जेलसी। जैसे एक सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका मामला आया रिगार्डिंग वाइफ का मामला, तो साद रदियल्लाहु अन्हु ने बोला कि अगर मैं देखता तो मैं ऐसे कर देता, यू नो, अपनी वाइफ को, क्योंकि इसने कैसा कि नहीं किया, अपनी गैरत वो की। तो बाकी सहाबा बैठे हुए थे, उनको बड़ा अजीब लगा जो साद रदियल्लाहु अन्हु ने कहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ताज्जुब करते हो गैरत साद के साथ ही गैरत पे, अना अग़यरु मिन्हु, मैं इससे ज़्यादा गैरत वाला हूँ और अल्लाह सुब्हाना तआला मुझसे ज़्यादा गैरत वाला है। मतलब ये सिंपथी क्रिएट करना, मैस्कुलिनिटी को वो करना, उस औरत की जो मैं आपकी बात बता रहा हूँ ना, कि वो थोड़े इसके फीचर्स जो थे वो मैस्कुलिन थे, तो उसने कहा कि मैं एक मर्द का रोल प्ले करती हूँ ताकि मैं देखूँ हाउ मेन आर ट्रीटेड इन द सोसाइटी, एंड शी कमिटेड सुसाइड। It's like I don't understand how men are able to take this much resentment from the society where they are being controlled in such a way, because अगर वो अपनी feelings का इजहार करें तो they are being mocked at। अच्छा, अभी Fast and Furious का बंदा था, ये सारी बात करते हैं कि it's okay for men to cry, if it's okay for this so and so। Will Smith cried based on his issue because his wife was Tupac के साथ जो है इशू था, they made fun of him। नहीं, वो तो बाद में था, टूपाक के साथ उसके शुरू में से चला, यंग प्रिंस के, उसके अलावा था फास्ट एंड फ्यूरियस, आई डोंट नो द गाय नेम जो बॉल्ड है, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर अपनी बेटी के इल्जाम लगाया, उसकी कस्टडी लेने के लिए ही क्राइड ऑन लाइव इंस्टाग्राम, दे मेड फन ऑफ हिम, सारों के बारे में कहा। यू अलाउ मेन टू होल्ड देयर फीलिंग्स एंड नॉट टॉक अबाउट, बिकॉज वो मैस्कुलिनिटी, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्कस नहीं करोगे, बट टू मच ऑफ शोइंग योर फीलिंग्स एंड बीइंग इमोशनल, पीपल डू नॉट टेक इट सीरियसली, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ इट। जनरल सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करो, दैट यू वांट एट द एंड ऑफ द डे द कवाम टू लूज मोर कंट्रोल सो दैट यू कैन हैव मोर एक्सेस टूवर्ड्स देयर वुमेन। तीसरी चीज़ जो आप अटैक कर रहे हो वो आप जो औरत का एक हाउस होल्ड रोल है उसको जो है फैमिली यूनिट को उस फैमिली यूनिट में जो उसका एक रोल है उसको आप डिवैल्यू कर रहे हो। क्यों ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसको वेस्ट प्रोपेगेट करता है, वो आपके प्रायोरिटीज़ हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, शुरू में जो ये आयत हैं ये कि आई विल नेवर वर्शिप व्हाट यू वर्शिप, माई वे ऑफ लाइफ जो बाकी दो दफ़ा आया है, अकॉर्डिंग टू सर्टन स्कॉलर्स, माई वे ऑफ लाइफ in prioritizing what Allah has made priority is never going to be your priority. And my priority in what you prioritize is never going to be my priority. Why these multiple times Allah subhanahu wa ta'ala lakum deenakum waliya deen. एंड का कोट करते हैं कि लकुम दीनकुम वलिया दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारा दीन, मेरा दीन मेरा दीन. उससे पहले अल्लाह ताला ने कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो काफिरों से कि ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं कभी उस चीज की इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो, जिस चीज की तुम बंदगी करते हो, जिस चीज की तुम बंदगी करते हो. क्यों ऐसी चीज है कि आपका आज मीडिया वही मूवीज रिलीज करना चाह रहा है, वही बातों पे बात करना चाह रहा है जो उसके मास्टर्स ने उसको डिफाइन किया, और आपकी मॉरालिटी उसी उनकी संप्रदाय करती है. दिस शोज कि आपकी मीडिया ने आपको कंडीशन कर दिया कि आपको उसी के बारे में सिंपैथी होती है जिसके बारे में वो बताता है, जिसके बारे में आपको नफरत दिलाता है आप उसके बारे में नफरत दिलाता है. आपके टिपिकल स्टेटमेंट होता है कि मुल्लाज ये कहते हैं, हाउ मेनी मुल्लाज हैव यू सैट विद. मेरे साथ उस प्रोड्यूसर ने जो ट्विटर पर बहस की, उससे बोला कि जना कि कभी भी ओपन डायलॉग नहीं हो रहा. मैंने नीचे उसको कमेंट करके बोला कि नेवर गो एंड वॉच आवर पॉडकास्ट, कभी भी ये डिबेट करने के लिए सामने नहीं आएंगे कभी. और डिबेट करने के लिए हम बुला रहे हैं दैट यू कम एंड सिट इन माय पॉडकास्ट, कम एंड टॉक अबाउट, आई विल गिव यू नो एडिटिंग, बात करो, जस्टिफाई, यू नो तुम बात करते हो इस्लाम की, जस्टिफाई करो इस्लाम. हम इनके प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं बिकॉज दे डोंट लेट यू टॉक ऑन बेस ऑफ रिलीजन, बिकॉज इनको पता है कि ये यहाँ पे कमजोर है. दे वांट टू बी एनी सेक्युलर एलिमेंट भी लेके, बिकॉज दे नो हम रिलीजन की बात कर, बिकॉज दिस इज मुस्लिम कंट्री. यू हैव टू बी, यू कांट से कि जो ना कि मुस्लिम कंट्री में मैं आके मैं उनकी वैल्यूज के अगेंस्ट आके मैं दूसरे कल्चर को वो करने दूँ. कतर ने अगर चीज को किया, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे आप बैठे हुए जज कर रहे हो उनकी सोसाइटी को, व्हाट दे शुड वैल्यू नॉट वैल्यू, बिकॉज यू वांट एवरीवन टू बी हैविंग द सेम वैल्यू एज योर वैल्यू. इंडोक्ट्रिनेशन कहाँ चलेगी, जबरदस्ती फ्रीडम स्पीच कहाँ चलेगी. यू वांट मी टू हैव द सेम वैल्यू, इंटॉलरेंस यहाँ पे, इंटॉलरेंस आपकी यहाँ पे. और अजीबोगरीब बात करते हैं, समझते ये हैं कि ये किसी भी तरीके से बगैर दीन के, बगैर रिलीजन के ये अपनी बातों के अंदर ऑब्जेक्टिविटी लेके आ जाते हैं, आ सकते हैं. पॉसिबल ही नहीं है. और आपको जितने भी इनकी बातों के अंदर वो डिसकनेक्ट नज़र आ रहा है ना, और लगता है कि मुनाफकत नज़र आ रही है. इधर ये बात करते हैं, इधर कोई और बात करते हैं. डबल स्टैंडर्ड्स की हमने भी बात की. ये सब की सब बातें इसीलिए क्योंकि ये अपने डिज़ायर्स को, अपने विम्स को फॉलो करते हैं और कभी भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को, जो कि सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आ सकती है, उसको उन्होंने कबूल नहीं किया हुआ. इसलिए दे स्लिप हियर एंड दे स्लिप देयर, और ये दे मेक अ फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स. इसीलिए हो रहा है. एब्सोल्युटली. प्लस दे हैव नो ग्राउंडिंग्स. वो कभी भी आके किसी डिस्कशन में, दे हैव नो ग्राउंडिंग व्हाट्सएवर. वो कर ही नहीं सकते बात. तो वो क्या कर सकते हैं, चलो हम इस फिल्म की मदद ले लेते हैं, क्योंकि फिल्म में जो है ना, जो मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सामने वाला रिसीविंग एंड पे वो हमसे सवाल नहीं करेगा, वो देखेगा हमारी बात. बिल्कुल. और अक्सर लोग अनफॉर्चुनेटली दे डोंट इवन गिव इट अ सेकेंड थाट कि यार ये क्या हो रहा है. ये मतलब हम भी जब मूवीज़ देखते हैं ना, जो जिस तरह से फिल्म मेकिंग में जब आप स्टोरी क्राफ्ट करते हो, आप एक अच्छे कैरेक्टर को बुरा दिखा सकते हो और एक बुरे कैरेक्टर को अच्छा दिखा सकते हो, बेस्ड ऑन म्यूजिक, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, कैमरा एंगल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. दे डू दैट क्योंकि उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, उनके पास कोई फिलोसॉफिकल बैकिंग नहीं है. तो वो क्या करते हैं, हमारे पास ये चीज़ है, डिसेप्शन, मैनिपुलेशन. दे डू दैट. इमोशन बातिल का हमेशा सब काम रहा है, डिसेप्शन, जो मैनिपुलेशन एंड ट्विस्टिंग ऑफ द फैक्ट्स. एंड दिस इज व्हाई वी नीड टू. आपका जो पॉडकास्ट था जो हमारे LGBTQ में हुआ था, वो गालियाँ दी गई, लेकिन एक भी पॉइंट को डिबंक नहीं किया गया. बिल्कुल ऐसी है. एक भी उसमें कोई एक छोटा पॉइंट था. दो पॉडकास्ट में बैक टू बैक डिटेल्ड पॉडकास्ट्स थे. मजाक उड़ाया, मैनिपुलेट किया. ये देखो, इसकी शक्ल देखो, नेम कॉलिंग बड़ा आसान काम है. ये सबसे आसान ड्रग डीलर लगता है. सिर्फ ये बात है. मेहरब को बोला कि यू शुड बी लास्ट पर्सन टॉकिंग अबाउट अदर पीपल्स फेसेस, जो तुमने अपने चेहरे के साथ किया है. मतलब यू शुड बी द लास्ट पर्सन टॉकिंग. एंड सुभान अल्लाह, हमें जरूरत भी नहीं पड़ी जवाब देने की, क्योंकि इतनी इररिलेवेंट सी बात थी. लोग कह रहे थे यार तुम इंटेलेक्चुअल हो, जाके उनसे बात करो. वो तो कह रहे हैं क्या कि हमसे बात करो. ओपन है. कल की स्टेटमेंट थी ना, उस लेट योर स्क्रीम्स ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन बी एज लाउड एज योर रिटेलिएशन अगेंस्ट द हुक्म ऑफ अल्लाह सुभान अल्लाह. तुम्हारी चीखें इतनी हो क्योंकि जितनी तुमने अपनी ये जो शहवत और ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की नाफरमानी में इस्तेमाल किया ना, उसी के साथ साथ तुम्हारी चीखें निकलें. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखिए, हम दावा हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ उनके बारे में कर रहे हैं जो गलत फहमी का शिकार हैं, जो अल्लाह की बगावत में आए हुए हैं और अल्लाह के दीन का को बिगाड़ना चाहते हैं और लोगों में, मोमिनीन में बेहयाई को फैलाना चाहते हैं। हम उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा होना चाहते हैं। हम कोई बेहतरीन मुसलमान नहीं है, बट एट दी एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के सोल्जर्स हैं, हम अल्लाह के जुनूद में शामिल रहें और हम कम से कम जो ऐसा तरीका है जो हमारे जो शर को आगे ना फैलाते हुए हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाए, हम लोगों तक बेहतरीन बात करें, हम उसके बारे में पिटिशन फ़ाइल करें, हम बात करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें और बाकी मोमिनीन को ये हिम्मत दे कि वो आखिरी सांस तक तमाम तरह की। जॉयलैंड इज़ नथिंग, इट जस्ट स्टार्ट। एंड आप देखिए इंशाअल्लाह ताला यूथ क्लब अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर पीपल इंडिविजुअल्स स्टैंड अप अगेंस्ट एवरी, नॉट जस्ट दिस, तमाम जो तरह की चीज़। एंड इंशाअल्लाह वी, बिकॉज हमें अपने बच्चों को महफूज रखना है, अपनी फैमिलीज़ को महफूज रखना है। एंड आप जिस चीज़ को सही मानते होगे, जो मानते होगे वो आपके लिए होगा। डू नॉट एक्सपेक्ट अस टू बिलीव अस ट्रूथ, फॉर अस सच और हक वो है जो अल्लाह सुब्हान व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आपके लिए अल्लाह के रसूल प्रायोरिटी नहीं है, अल्लाह सुब्हान व तआला प्रायोरिटी नहीं है, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, यू विल हैव टू बी एबल टू आंसर। बट हमारे लिए कोई शक नहीं है, हम शकूक का शिकार नहीं है, हम अल्लाह सुब्हान व तआला के दीन को जानते हैं। मुसलमान जिन चीज़ को वैल्यू करते हैं वो करते हैं। आपके लिए कोई और प्रायोरिटी है, यू डील विद इट। बट इफ़ यू कमिंग इन आवर कंट्री, इफ़ यू कमिंग अमंग्स द मुस्लिम्स एंड ट्राइंग टू से वी वांट टू बी एबल टू नॉर्मलाइज इट, इंशाअल्लाह बाय द विल ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला वी विल नेवर लेट इट। और सुब्हानअल्लाह दी ऑडेसिटी, जो लोग इस वक्त इसके खिलाफ बात कर रहे हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात की जा रही है। ले ही ना ले वो, ऑन व्हाट बेसिस यार? आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि सारा का सारा हुक्म जो है, आपकी सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुरान और सुन्नत के ताबे है, वो अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म के ताबे है। एंड यू हैव द ऑडेसिटी टू चैलेंज आर पिटिशन टू बैन जॉयलैंड, उसको आप चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो। बी आर गेस्ट। असल में ऐसी थोड़ी वेस्ट आपको $70 मिलियन की जो है फंडिंग देता है कि आप जो है ना अपने मीडिया में इन्वेस्ट करने लगाएं प्रॉपर एक एजेंडा के तहत। पब्लिक को लगता है कि शायद ये हम हवा में की बात निकाल रहे हैं, ये बातें डॉक्यूमेंटेड बातें। हमने अमेरिका के अंदर बाकायदगी से जो है वो, जब इनका बजट पास हुआ था लास्ट या उससे लास्ट बजट पास हुआ, तो लोगों के अंदर रिजेंटमेंट थी कि भाई आपके यहाँ पे अपने मुल्क में डिट्रॉइट में क्या हालत है, यहाँ पे अपने मुल्क में क्या हालात हुए हैं, और आप जो है वो एक सर्टन अमाउंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जेंडर प्रोग्राम के लिए के अंदर आप खर्च कर रहे हो। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? उनकी आवाम बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं एमनेस्टी इंटरनेशनल को देख लें। एमनेस्टी इंटरनेशनल आए कहता है कि हमारा ये गोल है कि हम माफ़ कर दो यार, हाँ लोन्स माफ़ कर दो, हाँ इतना शौक है आपको यार, अब हमारी खैर खाल हो आप बहुत ज़्यादा, हमारे लोन्स माफ़ कर दो, हमारे पर पहले इतनी मुसीबतें आई हुई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को देख लें, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो अबॉर्शन को जो है ना वो लीगलाइज करना, ये हमारे गोल्स में से है। ठीक है, जेंडर के इश्यूज जो है ना इनको हमने जो है वो नॉर्मलाइज करना है। एंड उसके बाद इस चीज़ हमारी जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 जो पूरी की पूरी हुई, इसके ऊपर हमने कितना शोर मचाया, सारी बात की। मज़े की बात यह कि जितने इनके बीच जो नया कंटेंट आ रहा है जिसके हक में खड़े हो रहे हैं, ये योग्याकार्टा प्रिंसिपल्स के एन मुताबिक चल रहा है। फॉर दोज हू डोंट नो, वो गूगल कर सकते हैं जाके, योग्याकार्टा प्रिंसिपल्स वो क्या है? बेसिकली जेंडर की आज़ादी, सेक्शुअलिटी की आज़ादी को ये अभी से नहीं, ये पूरा विजन के तहत काम करते हैं ये अभी से। आपको पता है कितनी कोई 20+ शॉर्ट फिल्म्स आज से 3 साल पहले, जब इस चीज़ को किसी को भिनक तक नहीं थी कि इस तरह का कुछ होने जा रहा है, तब से मैं सरमद खूसट ने प्रोड्यूस की हुई हैं। ठीक है, विम्यू में पड़ी हुई हैं, प्राइवेट लिंक्स पड़े हुए हैं, पासवर्ड के साथ प्रोटेक्टेड है, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हुई हैं और उसमें ओपनली इस बारे में बात की हुई है। ओपनली वो लिंक कहीं से मिली थी और उसमें वो फिल्म्स मौजूद हैं। ठीक है, वो फिल्म्स पड़ी हुई हैं, वो प्रोड्यूस्ड हैं, वो रिलीज़ करेंगी ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, एक साथ नहीं करेंगे, स्टेजेस में पहले एक हो जाए, क्योंकि इज ऑल अबाउट कि मैं कितना खींच सकता हूँ, क्या लिमिट डिफाइन कर सकता हूँ, आगे कितना वो लेके जा सकता हूँ। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि देखिए हम क्यों जॉयलैंड के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इट डज। स्टोरी स्टार्ट तो पहले से बच्चों ने बाप से बोला कि बाबा हमने जो है मूवी देखने जाना है और हमारे लिए जो है ना कुछ नहीं, हमने मालूम किया, रिसर्च कर ली, उसमें छोटा सा बस थोड़ा सा सीन है, बाकी पूरी मूवी सही है। फादर ने मना कर दिया, बच्चे नाराज़ हो गए, बच्चे कमरे में जाके लॉक हो गए। बाप ने जो है थोड़ा बहुत उनके लिए जो है कुकीज़ बनाए, सब कुछ किया। बच्चों ने देखा खुशबू आ रही है, उन्होंने बोला शायद बाबा जो है उनको बुरा लग रहा है और हमारे लिए जो है हमें मनाने के लिए वो कुकीज़ बना रहे हैं। इवेंचुअली फ़ादर लेके आए और उन्होंने क्या कहते हैं कुकीज़ सामने रखे। तो बच्चों ने जब खाने लगे तो उन्होंने बोला वेट आई लेट यू गो टू द मूवी, बट तुम पहले इसका इंग्रेडिएंट जान लो कि मैंने इसको कुकी को बनाया लेकिन मैंने बाहर कचरे के डब्बे से एक छोटा सा इंग्रेडिएंट लेके डाला इसमें से। तो बच्चों ने कुकी फेंक दिया, बिस्किट फेंक दिया। लाइक व्हाट, आपने इसकी कैसे मुँह में क्या पता? मैंने थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा नहीं, बट वाई दिस, लाइक मैं मुझे क्या पता आपने क्या उठा लिया। पर देखिए आप थोड़े से अननोन इंग्रेडिएंट जो डस्टबिन से उठाया है उसकी वजह से पूरा कुकी छोड़ दे रहे हो। तो वहाँ पे आपको मूवी में थोड़े से एक बुरे सीन की वजह से आपको पूरी मूवी छोड़ने के लिए समझ में नहीं आ रहा। तो पॉइंट ये कि जना कि ये इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल थिंग, और वो आपके दिमाग में वो छाप देते हैं, वो वैल्यू छाप देते हैं, वो तस्वीर छाप देते हैं, एंड देन आप जब नॉर्मलाइज हो जाते हो उस पर देन वो उसको बढ़ा देते हैं। मैं आपको अपने बचपने के टाइम को बता रहा हूँ, जब सैटेलाइट डिशेज लगती थी तो बेवॉच वॉज अ ह्यूज डील के फैमिलीज और सारी देसी खवातीन बैठ के देख रही हैं, हाय अल्लाह ये कैसे देख रहे हैं, और सारे जो है ना मर्द हजरात जो हैं बेवॉच ऐसे जैसे पता नहीं बहुत ही वो बहुत ही बड़ी डील। आज तो कुछ भी नहीं है ना, तो फैमिलीज के साथ कुछ मूवीज़ देख लेते हैं और उसमें देख लेते हैं जो बिकिनी पहनी हुई फीमेल होती है, बड़ी आराम से देख रहे होते हैं। तो इट वॉज अ छुप छुप के लोग देखने वाली बात है। तो बेगम से छुप के जो ना हम मर्द हजरात देख रहे हो जो ना कि रिपीट पर देख रहे हो। नाउ इट्स लाइक नो नथिंग, नाउ इट्स नथिंग, एंड यू नो उसमें आज उससे कहीं ज़्यादा। मैं हमेशा एक बताता हूँ, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बड़ा रिक्वेस्ट की कि मैं लिए फास्ट एंड फ्यूरियस की बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हो रही थी, तो उन्होंने बोला चलो भाजी लेट्स गोट टू द सिनेमा। तो मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स ने बोला कि चलो नहीं आई डोंट वांट टू, बिकॉज नहीं कुछ नहीं है उसके अंदर। मैंने ना हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कार्स हो और विमेन ना हो। तो वो देख के आए ना, तो वन ऑफ माई यूनिवर्सिटी फ्रेंड उसने मुझे बोला कि भाजी आप सही कह रहे थे, मूवी स्टार्ट इसी से हुई। मैंने बोला आप के साथ इस चीज को नॉर्मलाइज करना, मुझे पता है मैंने देख ली थी पहले। इस चीज को जो है ना हर दिन नॉर्मलाइज करना। That's how it begins. और वैसे भी बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है इनका। यू आर व्हाट यू कंज्यूम, ठीक है। अल्टीमेटली पहले जब आप किसी चीज को देखते हो तो हो सकता है आपको वो चीज थोड़ी सी अच्छी ना लगे। जैसे फॉर मी, मैं जब पहले नेटफ्लिक्स मूवीज़ देखता था ना, मैं बहुत जब कोई गे कैरेक्टर आता था ना, मुझे इतनी नफरत आती थी कि मैं वो पार्ट पूरा स्किप कर देता था। अब नहीं आती, बता रहा हूँ क्यों नहीं आती। हमने सारी बात कर दी यार। यही मेरा पॉइंट, ये मीडिया मैनिपुलेशन होती है, ये होती है मीडिया मैनिपुलेशन। मेरा कसूर नहीं है। वो इतनी दफ़ा उस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि अगर आपने कंटेंट देखना है तो आपने ये चीज़ भी देखनी है। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, नेटफ्लिक्स, HBO, ये जितने भी मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स हैं, तो फिर आपको ये चीज़ भी देखनी है। ऑप्शन नहीं ना, ठीक है। इवन अब तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ये चीज़ें कॉमन हो रही है, जेंडर इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारा ड्रामा। मैं बहुत तीन ड्रामा अभी रिसेंटली हमें पता है अभी भी चल रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ अभी भी चल रहे हैं। आपको बेहतर पता होगा, आप माशाल्लाह बहुत रिसर्च करते हैं माशाल्लाह। पॉइंट ये देखिए, अभी अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं होती और समझ में नहीं आती दैट द मीडिया, द सोशल प्लेटफॉर्म्स आर ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ नैरेटिव, एब्सोल्यूटली, एंड अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव। मैसेज इसी की तरफ जा रही हैं। अगर आप अभी भी मीडिया की पावर को, मीडिया के मैनिपुलेशन को, मीडिया के एल्गोरिथम को, जो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम है और उसके जो स्ट्रैटेजीज़ को नहीं समझे, और इस समझने में आपने इस वक्त उनको बचाने के लिए, अपनी जनरेशन को बचाने के लिए आपने वो स्ट्रैटेजी की बेसिस पर कंटेंट नहीं प्रेजेंट रखा, अपनी जो ताकत के मुताबिक आपने नहीं काम किया, तो आपको आपकी आगे वाली जनरेशन के लिए दीन से दूर की बात, दीन छोड़ने में कोई मसला नहीं होगा। होमोसेक्सुअलिटी, the idea of feminism attacking the very family structure, the secularism, at the end of the day इसका end result इस्लाम को छोड़ना है। एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल किया और लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि अगर एंड्रयू टेट इस्लाम कबूल करता है तो मैं इस्लाम छोड़ती हूँ, थोड़े से लोगों ने, एट द एंड ऑफ द डे। बट द पॉइंट इज के ये वाला एक एस्पेक्ट, अगर आपको एक शख्स के बिहेवियर से, उसकी लाइफस्टाइल से जब इस्लाम कबूल कर रहा है तो वाई इज़ इट कि आप उसकी पिछली चीज़ों को रिफ्रेश करने के लिए तैयार नहीं? वाई नॉट गिव दैट पर्सन अ टाइम? अगर वही कोई प्रोस्टिट्यूट होती, कोई डांसर होती और अगर उसको इस्लाम कबूल करना होता तो आप बोलते नहीं जी इस्लाम इज़ ऑल अबाउट मर्सी एंड लव एंड वेलकमिंग। आप कह रहे हैं वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सेड के एंड शी वॉज अ नॉन मुस्लिम के इस्लाम शुड नेवर अलाउ Andrew Tate in their religion. Manala, that's not your decision or my decision. Who are you to decide? Huh? It's not my decision. Islam welcomes anyone. If somebody is willing to change their life and be able to walk that path, जो वो गुनाह कर रहा है, अगर वो लड़कियों के साथ या शराब या कुछ इस तरह की चीज़ों में जाता है, हमें एडवाइस करना है now because he's claiming to be Muslim. At the end of the day, उसकी जो अल्लाह ताला के साथ बिलीफ है वो चीज़ें हो सकता है अल्लाह सुब्हान ताला उसके कुछ गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन इन लोग माफ़ ना करें, लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला माफ़ कर दे उसकी जो जो डेफिनेटली। तो बात ये है ना कि आप अल्लाह सुब्हान ताला का रोल प्ले ना करें, डू नॉट प्ले द रोल ऑफ अल्लाह व्हेन यू से ओनली अल्लाह कैन जज मी, बट यहाँ पे आप जज कर रहे हो। मतलब वाई हैव दीज हिपोक्रिटिकल यू नो एटीट्यूड? ऐसे ही एटलीस्ट एंड्रू टेट इज अनअपोलोजेटिक अबाउट हिज व्यूज। ही इज वेरी हम मुसलमान पाकिस्तान में रहते हुए वजी भाई, मेरे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, मेरे दोस्त हैं कॉलेज गोइंग हैं, वन इट कम्स टू दीन ना दे गेट सो, कोई फेमिनिस्ट आके उनसे सवाल कर ले दीन के ऊपर कि इस्लाम में ऐसा क्यों है, दे गेट नहीं वो इसका रीज़न बैकफुट। आप मेरी कल किसी फेमिनिस्ट से बात हो रही थी तो वो कहती हैं कि इस्लाम ने ऐसा क्यों रखा है कि औरत के जो है मर्द को 4 शादियाँ। मैंने कहा किसी मर्द ने डिसाइड नहीं किया अपने लिए कि मैं 4 शादियाँ, ये रब्बुल कायनात ने किया है। ऐसे है, अगर आपको प्रॉब्लम है अल्लाह टेक इट अप टू हिम, डोंट टॉक टू मी अबाउट इट। ऐसे ही। और फिर वो अगेन फिर फिलोसॉफिकल हमने बात की कि इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वालिटी क्या पॉसिबल है, इक्वालिटी क्या इन ए ट्रू सेंस पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं जो नहीं होते। हम इतने अपोलोजेटिक हो जाते हैं ना व्हेन इट कम्स टू इस्लाम कि नहीं अच्छा इस्लाम में, इस्लाम तो पीस का नाम है। किसने कहा इस्लाम पीस का नाम है? इस्लाम का मतलब है सबमिशन, जो अल्लाह के अहकाम है उसमें आपने सबमिट करना है, आपने एक्सेप्ट नहीं करना वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को। बिल्कुल ऐसी। अच्छा बात आप एंड्रू टेट की कर रहे थे, नॉट दैट एंड्रू टेट हमारे लिए बहुत कोई एग्जांपल है, हमें नहीं पता आगे उसका क्या मामला होता है। अल्लाह ताला उसको मजीद हिदायत दे और अल्लाह ताला उसको सही तरफ रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आप लोग कहते हैं ना कि ही इज़ अनअपोलोजेटिक, यू नो व्हाई ही इज़ अनअपोलोजेटिक? बिकॉज उसने अपनी ग्राउंडिंग को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ। एब्सोल्युटली। वो जिस पॉडकास्ट में बुला के उन फीमेल्स को उनकी क्लोथिंग पे बैश करेगा या उनको उनकी रिलेशनशिप्स के ऊपर बैश करेगा, वो सारी उसके पॉडकास्ट में बैठी होंगी और अपना मोबाइल देने उनके साथ पिछला जो उसने कहा कि मोबाइल देके उसको दिया और उससे अपना नंबर उसको या कुछ वो भी व्हाटएवर वो किया, यू नो प्लेइंग अ स्मूथ गेम। व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल regardless of what views he has, accept him to be an you know a strong independent individual, because वो बोल रहा है कि वो वीडियो एक मेरी नजर के सामने उसने बोला आई डोंट रिमेंबर माई गर्लफ्रेंड्स, पिछली बार तो जाहिर बात है ही इज इन दुबई, आई डोंट रिमेंबर माई गर्लफ्रेंड्स बर्थडे, उसके सामने कह रहा है। दैट इज लाइक सो डिसरिस्पेक्टफुल इन फ्रंट ऑफ योर गर्लफ्रेंड एंड शी इज लाइक विद हिम सिटिंग इन हिज कार बिकॉज आई हैव दिस कार, आई हैव दिस कार। ही क्लियरली सेड, उसने बोला एक वीडियो में बोला ही वाज अनअपोलोजेटिक लाइक यू नो कि I don't care if my daughter is going to be dumb. I'm going to protect her. I'm going to leave my wealth for her. I'm going to make her enjoy her life. के उसके साथ वाली. If my son is going to be dumb, I'm going to have an issue with it, because he needs to be a protector. He needs to be that man who provides for his wife and family. But this is before Islam. हाँ बिफोर इस्लाम उसने ये बात बोली, बिकॉज आई हैव एन इशू विद दैट, बिकॉज आई वांट टू बी एबल टू गिव माई डॉटर एवरीथिंग। व्हाई वुड आई हेट वुमेन? ही सेड व्हाई वुड आई हेट वुमेन? आई हैव माई यू नो ब्रदर्स डॉटर, आई लव हर वेरी मच, आई वांट हर टू बी एबल टू बी प्रोटेक्टेड, आई वांट हर टू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, आई वांट हर टू बी एबल टू हैव दिस एंड दैट, बट आई वांट मेन टू बी एबल टू प्ले दैट रोल एंड बी एबल टू डू दैट। ठीक है, यू मे डिसएग्री विद समथिंग बट ही इज आउटवर्डली, एंड द मैस्कुलिनिटी एलिमेंट ऑफ इस्लाम इज व्हाट हैज अट्रैक्टेड हिम टुवर्ड्स इस्लाम। यार आपको ये अथॉरिटी दे रहा है, आपको उसकी व्यूज है कि यार आप एक कवाम का रोल है। कवाम का मतलब ये नहीं कि जाना कि आप लड़कियों के साथ जो है अफेयर कर रहे हो और आप बीवी को घर पे बिठा रहे हो और घर को जो है उसको वो कर रहे हो। वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी टॉकिंग अबाउट जो गयूर और गैरत वाला जो रोल दिया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रिस्पॉन्सिबिलिटी दीवी जो है उसको समझते हुए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे वो बंदा कि यार मेरी फैमिली है, इनको मुझे देना है, इनकी इनकी नींद। जैसे माई डॉटर वो बिस्तर से उतरने लगी है ना, तो माई वाइफ डज दैट के छोड़ दें, यू नो गिरेगी भी तो ज़रा वो नहीं होगा। मैंने कहा यू वांट मी टू स्टॉप माई फादरली इंस्टिंक्ट बिकॉज आई गो लाइक यू नो दैट यू नो कि एकदम से आई कांट स्टॉप दैट, then it's my fatherly thing, I have to be able to make sure my daughter does not, you know, she's like, you know, ki yaar let her experience and learn on her, I want to be able to do that, but I can't stop my fatherly instinct ki main dekhu ki agar ye bisar pe yu jump maar rahi hai to cheez ko lage na। This is what a father is supposed to be। मेरी बहन के बच्चे जब बिस्तर से उठते हैं मैं कहता हूँ इस तरह से नहीं, बटिस्टा बॉम्ब मार के उठाता हूँ उनको नीचे। Of course the idea of being able to as a father, absolutely, as a brother, you know, being protective। वजी भाई जब आप ऑनेस्ट होते हैं ना, वाकई में ऑनेस्ट होते हैं, एक होता है ना कि नहीं हाँ ये ओके, जान के अपने क्योंकि आपको एक चीज़ बता दी गई है कि ये चीज़ सही है, आप उसको डिफेंड करने के लिए जिस हद तक जो है ना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो जाओ, जितना आप अपनी इनकन्सिस्टेंसीज हो। जब इंसान जो है ना वो क्लियर होता है ना अपनी वैल्यूज़ पर, उसको पता, वो ऑनेस्ट होता है, बस वो मानता है कि नहीं यार ये बात हक है। मतलब अगर मर्द को अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टर बनाया है उसके पीछे हम बहुत बड़ी डिबेट कर सकते हैं, हम बहुत बड़ी डिस्कशन कर सकते हैं, डिस्कोर्स कर सकते हैं कि व्हाई इज़ दैट कि अल्लाह ताला ने मर्द को प्रोटेक्टर बनाया है। कोई भी बंदा अगर ऑनेस्ट होगा ना, अगर वो ऑनेस्टली इस बात को सुनेगा और समझेगा और मानेगा, वो ये बात कभी भी इससे डिसएग्री नहीं करेगा कि मर्द जो है ना, मर्द और औरत इक्वल है, नहीं हो सकते, कुदरत ने नहीं बनाया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार, आपके कुछ सालों का ये क्लेम है, लुक हाउ यू मेस्ड अप द सोसाइटी। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हज़ारों साल तक हैप्पी फैमिली सिस्टम सोसाइटी में कैसे चल रहा है। आप ये हर वक्त का एक एजेंडा चलाते हो, पेट्रियार्कल सोसाइटी बिकॉज आपने उस चीज़ को नैरेटिव बिल्ड करके रीड किसी ने दानियल हकीकत जो ने डाला कि मेरे दोस्त से एक बात की, तो मैंने उसको बोला कि वाई डू यू are you struggling in order to be able to create this mental stress for yourself, ask your wife to stay at home and you know आप वो करो। एंड उसने बोला कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया, जब उसने किसी को एडवाइस दी इस तरह से तो उसकी फैमिली कुछ अरसे बाद उसने बोला यार ठीक है बहुत जगह से पैसा नहीं आ रहा बट माई लाइफ इज मोर पीसफुल एंड ऑर्गेनाइज, माई वाइफ इज एबल टू फोकस ऑन द किड्स, आई एम फोकसिंग ऑन बीइंग एबल टू प्रोवाइड एंड वी आर नॉट जस्ट हैपैज़र्डली। Why didn't we think of this earlier? So that this is why, there is a reason why this family system and support system has been working for thousands of years. I see. You want to mess that up? Make a disturbed, you know, depressive society in the name of being able to, you know, empowerment कर दो। अगर कोई करता है ठीक है, but ये कि why are you asking them to leave a main responsibility जो दी गई अल्लाह सुमाता ने किससे, आपसे मुझसे सवाल करना है अपनी फैमिली के मामले में। ठीक है, इफ़ माई वाइफ कैन यू नो फुलफिलिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन डू समथिंग, बट द पॉइंट इज अल्लाह ने सवाल किससे करना है कि यू आर द वन हु इज सपोज्ड टू प्रोवाइड। एंड दिस इज द काइंड ऑफ नैरेटिव मीडिया वांट्स टू चेंज कि नहीं जी आप जो है ना बहुत तिमिद से हो, आप ऐसे द यूथ वाले शख्स हो कि मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी बीवी अगर जाके 10 मर्दों के सामने डांस करती है, शी इज एन एम्पावर्ड वुमन, शी कैन गो इन फ्रंट ऑफ, इट्स हर प्रोफेशन। सॉरी इफ यू इफ सिस्टर्स आर लिसनिंग टू इट एंड दे फाइंड इट्स ऑफेंसिव, आई एम सॉरी। This was not how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was. This is not how the Sahaba were. And अगर आपको ये बात problematic लगती है, then like we said, take it up with Allah subhanahu wa taala. Take it. You will never say कि जना कि नहीं Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। उस सहाबी के बारे में आप पढ़े ना कि सहाबी के बारे में क्या था, वो जो जिन वाली story थी about seeing a snake, वो जो उनकी wife बाहर आ गई थी, he was like, how are you outside in your home clothes? She's like, you know, check out what is inside the house. वो एक सांप था, तो उन्होंने उसके वो किया। You know, you look at the ghaira of the sahaba, you look at the ghaira of those sahabiyat कि उनके मामले में किस तरह से था कि आप ये नैरेटिव चेंज करना चाह रहे हैं बिकॉज आपके सामने, एंड यू नॉट जस्ट वांट टू चेंज दैट, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैस्कुलिनिटी या उनका इंप्रेशन जो है ना वो भी आप चेंज करना चाहते हो। जैसे बोलते हैं नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद वाज अ फेमिनिस्ट, ये भी लोगों ने बात बनाई यार। व्हाट काइंड ऑफ यू नो स्टुपिडिटी इज दिस कि आप इतना एक्सेप्ट कर लो किसी के दीन को कि आप अब अल्लाह के रसूल के बदलाने लगो। कि एक बहुत मशहूर स्पीकर थी, उन्होंने शेयर किया, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी, उन्होंने शेयर किया फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट, इट इज़ फैब्रिकेटेड, झूठी स्टेटमेंट थी। अब उनको नहीं पता होगा अलग बात है, मैंने उनके पोस्ट में नीचे जाके जब बात की तो लॉट ऑफ वेमेन यू नो बहुत पहले की बात है, उन्होंने बड़ा रिजेक्ट किया और बोला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू कुक एट होम, लाइक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू हेल्प इन द हाउस होल्ड, देयर इज नो शेम इन इट। बट व्हेन यू से दैट ही यूज्ड टू कुक एट होम, व्हेन देयर इज नो सच बैकिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई गलत बात नहीं है अगर मर्द पकाएगा। बट अगर आप ये बात बोलते हो ना कि ही यूज्ड टू कुक एट होम, यू नीड टू बी एबल टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर इट, बिकॉज आप हवा में बात नहीं करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के हाथ में छाले पड़ गए थे बनाते हुए, तो आप ही वाज हैंडलिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइड, इफ ही वुड कम एंड हेल्प एट होम एंड उनके घर वालों के मामले में, दैट इज व्हाट हिज कैरेक्टर वाज। लेकिन आप बोला कि नहीं वो घर का काम करते थे। तो आप जो है ना एक चीज को जो वो एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, नॉट डिनाइंग कि उन्होंने घर का काम नहीं किया, आप उसको नॉर्मलाइज करें बिकॉज यू वांट मेन टू बी एबल टू डू दैट एंड विमेन को बाहर जाने की आपने वो कर रहा है। वजीब आपको पता है ये जॉयलैंड के अंदर भी ना, इस मूवी के अंदर भी जो इसकी सिनॉप्सिस है इसके अंदर क्लियरली उन्होंने बताई हुई ये बात कि हमने देखी नहीं, फिर बोलेंगे आपने देखी नहीं बात कैसे कर ली, लेकिन सब चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है। उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस लड़के को जिसको मोहब्बत हो जाती है ना इस ट्रांसजेंडर से, इस दूसरे मर्द से मोहब्बत हो जाती है, ये अनएम्प्लॉयड है और इसकी जो वाइफ है शी हैज़ बिन प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली। मतलब इसके अंदर दिखाया है ये, इसके अंदर ये भी साथ दिखाया है जेंडर रोल्स को इस तरह भी यहाँ पे बर्बाद किया है कि बीवी कमा रही है, खावन जो है वो वेला घर पे बैठा हुआ है और वो जाके स्टेज डांस देखता रहता है और वहाँ से जाके उसको मोहब्बत हो गई है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि कहाँ कितनी कितनी खराबियों को जो है ना वो एक एमलगमेशन के अंदर, एक मूवी के अंदर इकट्ठा लेके आ गए और उसके बाद उसको अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रहे हैं, अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रहे हैं। और हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को इतनी समझ नहीं आ रही कि जब जब आप अपने इकदार को, अपने दीन को, अपने कल्चर को बेइज्जत करोगे ना इन लोगों के सामने, ये तब तब आपको अवार्ड्स देंगे। मैन हु स्टैंड्स फॉर नथिंग विल फॉल फॉर एनीथिंग। हम एहसास कमतरी में हमें ऑस्कर की वैलिडेशन चाहिए। ऑस्कर है क्या चीज़? ऑस्कर है क्या चीज़ नहीं चाहिए। ऑस्कर है इतना आप में टैलेंट, आप ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करो, उनमें कम्पीट करो, ऐसी मूवीज़ प्रोड्यूस करो। जॉयलैंड तो वजी भाई हम सिर्फ आज एक मूवी की बात कर रहे हैं, जो हमारी बाकी मूवीज़ भी है ना वो भी कोई इस्लामिक उससे अगर हम देखें ना वो बिल्कुल भी बहुत वाहियात फिल्थ से भरी मूवीज़ हैं। अभी रीसेंट रिलीजेस यार बहुत यार आपकी लोग बोलते हैं कि यार आप जॉयलैंड के बारे में बात करें बिकॉज अभी इशू है। आप अपनी पुरानी पंजाबी मूवी उठा के दो, आपको हमें अच्छी तरह पता है मैं स्कूल जाता था, सदर के सिनेमाज के ऊपर ये बोर्ड लगाते थे पेंटर, लाइक यू नो ये वाहियात। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैम बिकॉज मेरा स्कूल सदर में था, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स इवन बिफोर पाकिस्तान जो आया यू नो वाज क्रिएटेड। तो उसमें जो पोस्टर्स लाइन से सिनेमा लगे थे, अल्लाह का शुक्र है वो ज़रा ख़त्म होना शुरू हो गया, मेरा भी वो मोबाइल मार्केट में चक्कर नहीं लगा, लेकिन सिनेमा में पाकिस्तानी मूवीज़ और इट वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। अभी भी वजी वही चीज़ है, बस मॉडर्नाइज करती है। पहले शायद वो पोस्टर्स में उस तरह करते थे, अब जो है ग्लैमराइज कर दिया, बस उसको एम्पावरमेंट के नाम दे के ना। अभी भी अगर आप रिसेंट मूवीज़ देखें, मैं नाम लेना आइटम नंबर, मतलब बड़ी मशहूर मूवी है दुनिया में जो है ना, पाकिस्तान के सिनेमा का नाम है क्या उस मूवी में? ठीक है, अच्छी होगी, फिल्म पर्सपेक्टिव से अच्छी होगी, स्टोरी क्राफ्टिंग अच्छी होगी, मतलब हर वो वाहियात काम उस मूवी में है जो जो आप मतलब जो आपकी सोसाइटी का पार्ट ही नहीं। इन अदर वर्ड्स आपको शाबाशी चाहिए इबलीस से कि आपने अल्लाह ताला की सही तरह से नाफरमानी की, बिकॉज आप अपने आप को कंफर्म करना चाह रहे हो खूबसूरती से लोगों के ऊपर जो आपको लगता है कि अभी ज़्यादा ताकतवर हैं। तो आप एक ऐसे बेगैरत बुज़दिल इंसान हो जो हवा चलेगी वहाँ पे जाना चाहते हो और आप अपने आप को सर्वाइवल मोड में रखना चाहते हो कि यार आप में और मीर जाफ़र में कोई फ़र्क नहीं है। जिसने देखा कि जहाँ की हवा चल रही है तो मैं उनके साथ दूँ, और आप जो है एक वीज़ल की तरह, एक मुनाफिक की एग्जाम्पल होते हैं, मुनाफिक उस जानवर को कहते हैं जो अपना रास्ता बना के ज़मीन में निकल जाता है, आप उनकी तरह हो। क्योंकि आप अगर सच के साथ खड़ा होना चाहते हो आप सच के साथ बात करोगे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस चीज़ के बारे में स्टैंड लेने के लिए कहा है। एंड हमारी भी वो मेगा इवेंट गई थी ना, तो मेरी स्टेटमेंट उसमें शुरू हुई थी कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग, इफ़ यू आर फॉलोइंग, इफ़ यू आर डाइंग, इफ़ यू आर लिविंग, इफ़ यू आर वर्शिप, इफ़ यू आर सैक्रीफाइस इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, दैन उसको दुनिया में ज़ाया अपनी आँखों से होते हुए देख लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि उसकी मिसाल है जैसे सारी ज़िंदगी लगा के अपनी खेती बाड़ी और अपनी ज़िंदगी बनाई, और जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुँच गया और उसके पास वो ताकत नहीं रही, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी पूरी जमा पूंजी को तबाह कर दे और उसके पास उसकी औलाद भी ना रहे उसको जो है उसको कुछ देने के लिए, अल्लाह ताला उसकी औलाद भी उससे ले ले। सोचो उस इंसान का क्या हाल होगा। ये एक इस शख्स की मिसाल है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क करता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, वो सारी ज़िंदगी अपनी एक चीज़ के ऊपर स्टैंड अप लेके करता है, और जब वक्त आता है जब उसको सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़रूरत होती है तब वो उसकी जो है मदद को नहीं पाता, बिकॉज तुमने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़िलाफ़ भी नहीं, अल्लाह ताला की बगावत में गुजारा है। तो अंडरस्टैंड दिस, आपको नहीं समझ में आता, यू हेट अस फॉर इट, यस हमारे लिए ये बात यार इट्स एन ऑनर, यू हेट अस फॉर द सेक ऑफ अस बीइंग यू नो स्टैंडिंग अप फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये दलील बन गई ना हमारे लिए, आप लोग जो है वो हमारे लिए दलील, आप लोग हमारे लिए सबूत होगा क़यामत के रोज़, ये लोग जो हैं ये अल्लाह ताला के दीन के लिए हक़ में खड़े होते। और बाय द वे ये सारी जो डिस्कशन हम मीडिया मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा मामला ये बाय द वे नहीं हो रहा कि जस्ट वन फाइन डे समवन गेट्स अप एंड सेइंग यार आज जो है ना वो फैमिली सिस्टम को तबाह करना है, आज जो है ना वो फांसी फैलानी, नहीं, ये शैतान जो है और इसके जो साथी हैं इन्होंने ये बाकायदगी से सिस्टमेटिकली इस पूरे प्लान को चॉकआउट किया कि सबसे पहले जिस तरह हमने फेमिनिज्म की बात की, फैमिली यूनिट को बर्बाद करना है, उसके बाद बेशर्मी हमारे अंदर इनकलकेट करनी ताकि इनके अंदर बीमारियाँ भी आएँ, इनके अंदर हया ख़त्म होगी, ठीक है, और उसके बाद जो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं मौजूद हमें कि हया ख़त्म, जिसके अंदर से हया ख़त्म हो जाए फिर फसल माशे जो करना है उसके बाद तुम जो मर्जी करते रहो उसके बाद। तो ये वो वाला मामला हमारे साथ भी करना चाह रहे हैं कि इनके अंदर से हया ख़त्म करो, क्योंकि अगर इनके अंदर से हया ख़त्म होगी ना इनको अल्लाह से हया आएगी, ना इनको माशरे से हया आएगी, इनको इनके अंदर से हया बिल्कुल कुल्ली तौर पे ख़त्म होगी। नाउ दे विल डू व्हाटएवर देयर विम्स एंड डिज़ायर्स टेक वांट देम टू डू, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात तो दूर की बात है, इसके बाद इनको लॉजिकली और सेंसिबल और रैशनल बात भी जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगी, इनको सिर्फ और सिर्फ वो करना है अब जो हमारे विम्स और डिज़ायर्स हैं, इसलिए हमारे अंदर से जो है ना हम हया को ख़त्म किया जा रहा है। बिकॉज आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की तो सबसे पहले जो था उनके जो प्राइवेट पार्ट्स थे वो वाजे हुए, और इस किस्से को बयान करते हुए क्योंकि जब अल्लाह की नाफरमानी हुई और सामने विजिबल हो गए प्राइवेट पार्ट्स, तो उन्होंने पत्तों से अपने आप को कवर किया, और अल्लाह ताला ने इस बात को बयान करने के बाद फ़ौरन कहा कि शैतान तुम्हें उस तरह से जन्नत से ना निकाल दे, जन्नत से महरूम ना कर दे जिस तरह से तुम्हारी वालदैन को किया, मीनिंग आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम उनको किया। मीनिंग अगर कहीं पे आप देखो कि माशरे में बेहयाई आम हो रही है, फहाशी आम हो रही है, ये एक रिज़ल्ट है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी कहीं हो रही है। आज आपका निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की बेसिस पर प्रायोरिटी नहीं है, आज आपका इकनॉमिक सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू तआला की अहकामात की बेसिस पर नहीं है, आज आपके जो तालीमी इदारे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अखलाकियात और तालीमात के ऊपर नहीं हैं। आपकी माशरे में फिर वबाएँ आएंगी, आपके माशरे में इकनॉमिक क्रंचेज़ आएंगे, आपकी यूटिलिटी स्टोर के सामने लाइनें लगी होंगी, आपके लोगों के अंदर डिप्रेशन और जब अल्लाह ताला के ज़िक्र से याद से एराज कर लेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी मईशत को तंग कर देगा, उसकी ज़िंदगी को तंग कर देगा, उसकी मसाइल को उसके आसपास उसमें इसको रैप कर देगा। आपकी सोसाइटी में ये नहीं हो रहा, आपको नहीं चाहिए सुकून, आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए वही तंगी वाली ज़िंदगी, then you do it at your own cost. Do not bring it in our society. Do Absolutely. not bring it amongst the Muslims. Do not bring it within us. Because जैसे शुरू में बात हो रही थी वो सांबा आज भी जब लिबरल्स होता है तो उसका दोस्त को फ़ोन करके कहता है सो जा वरना यूथ क्लब वाले आ जाएंगे। और to be very very clear to the opponents और जो propagators हैं इस जॉयलैंड और फहाशी के, इन लोगों को भी ये वाज़े तौर पे बात पता होनी चाहिए, जो हमें देखते हैं सुनते भी हैं, इनको अच्छी तरह छुप छुप के देखते सुनते हैं लेकिन नहीं सुनते हैं, ये मालूम है हमें, इनको ये बात पता होनी चाहिए। खूबसूरत लोग बात कर रहे होंगे तो कैसे नहीं देखेंगे उनको, इनको ये बात पता होनी चाहिए आप नहीं एक भी बात पता होनी चाहिए कि बेस्ट शो में आता ही सिर्फ आई कैंडी के लिए, कंटेंट तो होता नहीं है मेरे पास। इसको काट देना। सुभान अल्लाह, क्या कहता है, हमने बता दिया। हाँ, मैं कहता कि सुनते हैं चुपके चुपके। हाँ, ये जो लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, जो भी लिबरल्स हैं, जो भी हमारे जो ओपोज करते हैं, जो लोग दो डबल माइंडेड हैं क्योंकि वो उनको समझ नहीं आ रही है, उनकी अलग बात है। नॉट टॉकिंग अबाउट दोज गाइज, वी आर ऑल फॉर देम, वी आर हियर टू गाइड देम इंशाल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह। लेकिन जो लोग अपोज़ कर रहे हैं और जो बगावत कर रहे हैं अल्लाह ताला के दीन से, और जो हमारे अंदर फाहशी को आम करना चाहते हैं, इन लोगों को वाज़े तौर पे पता होना चाहिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये कोई छोटे तबके की बात नहीं हो रही यहाँ पे। वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अ सर्टन सेक्ट ऑफ सोसाइटी, नो, वी आर रिप्रेजेंटिंग द वाइडर पब्लिक, वी आर रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। आप लोग जो है वो माइनॉरिटी हैं। पोल ले लो ना, हाँ, सर्वे कर लो, चैलेंज है, चैलेंज है। माशरे पूछ लो किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली, चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले जो है ना, वो आपसे आपकी इदारे की जो है वो ऑडिट रिपोर्ट्स मांगेंगे, वो भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आओ तो नहीं ब्रो, आओ तो कभी खुशबू लगा हम दे दें। लेकिन मसला ये रेड हेरिंग्स हैं सारी की सारी, ये रेड हेरिंग्स हैं। अभी आप ये दोगे ना, कल को फिर कोई और बात, फिर कोई और बात। स्टे ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करो, नहीं आप पहले ये करो, पहले वो करो, ये बच्चों वाली क्या बात है, ये जो टॉपिक पर बात की आप उसके ऊपर हो। तो इसलिए वी आर रिप्रेजेंटिंग द वाइडर पब्लिक, और सारी की सारी आवाम का जो है ना वो यही ओपिनियन है। आप उस ओपिनियन को सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर्स की मदद से और फंड्स की मदद से और कुछ मीडिया हाउसेस को यूटिलाइज करते हुए आप समझते हो यू कैन बिल्ड, यू कैन चेंज नैरेटिव्स। सो आई एम सॉरी, यू वोंट बी। मूसा अलैहिस्सलाम का मुझे वाकया याद आ गया, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत से पहले जब उन्होंने एक बंदे की मदद की थी और दूसरे आदमी को थप्पड़ मार दिया था, नॉट नोइंग हिज ओन स्ट्रेंथ था उसकी, वो मर गया था। तो अगली दफ़ा जिस बंदे से लड़ाई हो रही थी उसको वापस से लड़ते हुए देखा था, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको रोका और उसको देखा कि ही वॉज एट फॉल्ट, तो उसने इस बात का शो लगा दिया कि तुमने, याद है तुमने ये काम किया था और तुम ही हो जो मसाइल करने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये फसाद है। तो ये जो बुराई करने वाले होता है ना, ये सबसे पहले सिंपैथी गेन करके करते हैं और बाद में जो उनके अगेंस्ट खड़ा होता है ना, तो उनको मलाइन करने की कोशिश करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त समझ लिया कि यही बंदा था जो फसाद कर रहा था और उनके इस उसके राइट के खड़े होने के उसको उनके अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा था। तो आज ये जो कहते हैं ना कि आप ये करें फना वो करें, ये वही वाली चीज़ है जो बातिल और एक बुज़दिल और एक झूठी स्टैंड और एक बहुत ही फ्रेल आइडियोलॉजी पे खड़े होने वाले एक इंसान की होती है, जिसको पता है कि उसके पास कुछ और जवाज़ नहीं है। ढूंढने की कोशिश करें, कोई कमज़ोरी मिल जाए हमें जहाँ पे इसको। असल में अल्लाह सुब्हान तआला ने किसी किसी को पावर ऑफ स्पीच दी होती है, बेशक कंटेंट उनका कुछ ना हो, बेशक रिसर्च उनकी कुछ ना हो, बस अपनी बात को ऐसे आर्टिकुलेट करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज बीच में ऐसे डाल देते हैं कि रेट्रिक ऐसा लगता है कि सुभान अल्लाह, ये तो इससे सच्ची, इससे सीधी बात और कोई नहीं होगी। लेकिन जब आप वाकई में सुने, इट्स लाइक वर्ड्स आर मैजिक। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम वर्ड्स आर मैजिक, दे यूज दैट स्पीच, दे डू दैट। और डेफिनेटली इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग, मैजिक इज नॉट एब्सोल्युटली। एंड बस वो आर्टिकुलेट इस तरह से अपनी फैलेसीज को करते हैं कि एक आम बंदा, एक ओ लेवल्स में जाने वाला बच्चा या एक बच्ची, उसको इतनी समझ नहीं है, उसका जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट है। उसको अगर वो इस चीज़ को कंज्यूम करेंगे ना, क्योंकि वो बोलता बड़ी तेज़ी से है। इंसान जो है ना, पावर ऑफ स्पीच इंसान को होती है, अल्लाह सुब्हान तआला ने असर रखा होता है कुछ लोगों की उसूस पे। ज़रूरी नहीं है कि वो हक की उसूस पे हो, कुछ कभी कभी बातिल की उसूस पे जो है ना, वो इस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं, इस तरह से क्राफ्ट करते हैं अपनी बात के, सामने वाले को, सुनने वाले को ये लग रहा होता है कि हाँ ये सही बात कर रहा है, बड़ी पॉइंट वाली बात कर रहा है। लेकिन जब आप उस पर सोचते हो, उस पर थोड़ा सा जो है ना उसको डीपली उसके अंदर जो है ना एनालाइज करने की कोशिश करते हो, आप बोलते हो यार ये तो कोई बात नहीं है, ये तो ये इट इज़ लाइक वन ऑफ दोज वो नहीं होती लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं जो सिर्फ आपको डराने के लिए यूज़ हुई होती है, होती वो सादी बात है। ऐसी एक बड़ा अच्छा सजेशन मुझे इस बारे में मिला था, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मैं इसको यूटिलाइज़ करता हूँ तो बड़ा फ़ायदा होता है। जब भी कभी आपको लगे ना कि बहुत कोई स्पीकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और वो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहा है और वो दिल पे असर हो रहा है उस बात को, तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीक़ेकार है चेक करने का कि आप जो है ना राइट डाउन व्हाट ही इज सेइंग, और उसके बाद में उसको खुद से पढ़ो। जब उसको आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको तब अंदाज़ा होगा यार कि ये तो कोई फैंटास्टिक बात नहीं कर रहा था। करे मैं कैंसिल हो जाऊँगा। आज अपने स्टूडेंट्स को क्लास बोल रहा था ना कि बोल रहे सर ये, मैंने बोला बेटा आई लीस्ट केयर अबाउट योर जेन जी कैंसलिंग, आई हैव लीस्ट वरी अबाउट इट। बट नहीं चले पॉडकास्ट को एंड में लेकर आते हैं, हम ये बात ही कहते हैं, देखिए अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं एंड वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट मिशन, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिह, कि अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इस दीन को तमाम अदियान के ऊपर, तमाम आइडियोलॉजी, तमाम वे ऑफ लाइफ के ऊपर गालिब रखने के। ज़ाहिर जो जानवर की कमर होती है दैट्स लाइक ऊपर रहती है, वलो करहल मुशरिकून, चाहे जितना भी मुशरिकीन इसको नापसंद करें, वलो करहल मुनाफिकून, चाहे जितना मुनाफिकीन इसको नापसंद करें, वलो करहल काफिरून, जितना काफिर इसको नापसंद करे। वी विल से व्हाट नीड्स टू बी सेड एंड मे अल्लाह गिव अस द गाइडेंस टू बी एबल टू से इट। अल्लाह के बगैर हम नहीं कर सकते, अल्लाह ताला हमें हमारी बातों को हमारे ख़िलाफ़ ना करे। और आखिरी दम तक अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें साबित कदमी अता करे आखिरी वक्त, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो ताकत दे, हमें वो इल्म दे, हमें वो ज़बान दे, हमें वो अल्फाज दे, हमें वो रिसोर्स दे, हमें वो भाई दे, हमें वो बहनें दे, हमें वो अल्फाज, हमें वो जो चीज़ ज़रूरत है, चाहे वो कौली हो, फ़ेली हो, अमली हो, जो अल्लाह ताला की दीन के लिए हमें करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आवर लाइफ, आवर लिविंग, आवर सैक्रिफाइस, आवर वर्शिप, मे इट ऑल बी फॉर अल्लाह सुब्हानहू तआला। जज़ाकुमुल्लाह खैरन इख्वान, अल्लाह ताला हमारी कोशिश कबूल करे और अल्लाह ताला हमारी इन अल्फाज को ज़मीन और आसमान, सातों आसमान से भी ज़्यादा इसको वज़न दे मीज़ान पर क़्यामत के दिन, जिस दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसको मीज़ान दे रहे होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे से हसद करने वाले और हमको नाकाम करने वालों की चाहत, नाकाम करने वालों की चाहत को नाकामी अता करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे घरों को, हमारे मुल्कों को, हमारी मुसलमान फैमिलीज़ को, हमारे मुस्लिम ममालिक को अल्लाह सुब्हानहू तआला महफूज रखे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पूरे दुनिया में इस्लाम को पहुँचा, अल्लाह ताला का जो कॉल हो वो गालिब हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कोशिश को कबूल करे, अल्लाह ताला हमें मुखलिस रखे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैरन फॉर कमिंग एंड वील सी नेक्स्ट फ्राइडे व्हाट वी नीड टॉक अबाउट, एंड टिल देन कीप द दावा गोइंग, कीप स्पीकिंग द ट्रूथ विथ हिकमा। एंड मैं अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कोशिश करे कि हम ज़्यादा लोगों को मोहब्बत के साथ इस सीधे रास्ते की तरफ लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें भी उस पर साबित कदम अता करे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह के और मज़ीद वीडियोस पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट के साथ। क्लिक ऑन द पेट्रियन लिंक एंड सपोर्ट अस नाउ।